is Bitcoin. Bitcoin story. What is the technologies behind these Bitcoins, that blockchain? You must have heard these terminologies many times in different perspectives, in different forums, news, blockchain, Bitcoins, Ethereum, cryptocurrencies. What are the basic blockchain concepts that I will go into detail of these? Cryptocurrency is not the only use case for blockchain. Remember this point. Blockchain have applications in many areas in the world, and I will share with you as well. Then I will share with you a typical banking use case, in which I will discuss with you a typical demo in which you can create a simple decentralized, I will explain these words as well, don't worry, decentralized type of a banking system, in which there is no single owner of that organization, and everyone taking part in that specific banking system is the owner of that typical banking system. So, and in the end, I will share with you two use cases that we have developed in on blockchain, and I will also share with you the practical implementation of these use cases that I have used in my research, and in different form of projects we have used these implementations. Any question? अच्छा, मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों से शेयर कर दूं कि मैं बेसिकली 15 इयर्स, ऑलमोस्ट 14-15 इयर्स से मैं टीचर हूं, तो मेरा जो वे होगा पढ़ाने का आप लोगों को और आपको ये चीज़ बताने का, वो इस तरह का नहीं होगा कि मैं स्लाइडें पढ़ूंगा और आप लोग सुनते जाएंगे. मैं आई विल बी मोर इंटरेक्टिव, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको जितना भी टाइम लगाऊं, मैं आप लोगों को बेसिकली ये बताने की कोशिश करूं कि ये क्या चीज़ है, और ज्यादा से ज्यादा आपको कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूं, ठीक है ना. तो इस तरह का नहीं होगा सेशन बिल्कुल भी, कि जिसके अंदर जो है ना मैं बोलता जाऊंगा और वो इंग्लिश पढ़ता जाऊंगा और आप जो है ना उसको सुनते जाएंगे, ठीक है जी. इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट रहेगा इसके अंदर. अच्छा जी, ब्लॉकचेन है क्या, फंडामेंटल्स क्या है ब्लॉकचेन के ना, ठीक है ना. आजकल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के अंदर ना, जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, ट्रांजेक्शन से कहने का मतलब यह है कि मैंने किसी को पैसे भिजवाने हैं, कोई पैसे रिसीव करने हैं, उसमें सबसे ज्यादा वर्ड आप लोग इस ब्लॉकचेन का सुनेंगे आजकल, ठीक है ना. अब वो जो ब्लॉकचेन है, वो हमारे जो करंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है ना, बेसिकली रिप्लेस कर रहा है, ठीक है. जो करंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, बेसिकली जो ब्लॉकचेन है वो उसको रिप्लेस कर रहा है. डेफिनेटली जब एक टेक्नोलॉजी रिप्लेस होती है ना, तो जब रिप्लेस होती है टेक्नोलॉजी, तो उसके बैकएंड पे क्या चीज होती है कि डेफिनेटली बैंकिंग, जो एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम है, इसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिनको उसने एड्रेस करना होगा, ठीक है ना. तो हम वो देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स हैं क्या, जिसकी वजह से आप कहते हैं, मतलब लेट्स से अगर आप एग्जिस्टिंग बैंकिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो व्हाई वी विल गो फॉर न्यू टेक्नोलॉजीज. के मतलब एक आप इमेजिन करें कि डिसेंट्रलाइज्ड या बैंकिंग सिस्टम, इस तरह का एक ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी खुद इंप्लीमेंट करे, ठीक है ना. आप देखें, अगर अगर आप ब्लॉक, क्योंकि मैं भी आपको जब प्रॉब्लम शेयर करूंगा, तो आपको इस बात की समझ आएगी कि बैंक्स के लिए तो ये बेसिकली कातिल है ये चीज ब्लॉकचेन, क्योंकि इस ब्लॉकचेन का कंसेप्ट ही ये है कि जब मैं ट्रांजेक्शन करूं, तो मुझे किसी किस्म की कोई फी चार्ज ना करे मेरे से कोई. अब आपको पता है कि जो बैंक्स हैं, वो तो कमाते ही इसी चीज के ऊपर है कि जी मैंने कोई एटीएम से पैसे निकाले, मेरे ही पैसे हैं, उसमें से उन्होंने 15 रुपए काट लिए या 16 रुपए काट लिए, या मैंने कोई लेट से कोई बैंक से जाकर ड्राफ्ट बनवाया, उन्होंने कहा कि जी इसकी चार्जेस 300 रुपीज है, तो बैंक तो सारा इसी के ऊपर ही चलता है, ठीक है ना. उस आपको को सर्विस दी, आपको आपके ही पैसों से आपको सर्विसेज दी, तो डेफिनेटली देर इज सम प्रॉब्लम्स जो एड्रेस करेंगे, और डेफिनेटली उस प्रॉब्लम को आगे लेके चलेंगे. हम उस प्रॉब्लम को समझते हैं, हम ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम्स है क्या, ठीक है ना. इश्यूज क्या है विद करंट बैंकिंग सिस्टम, हम उसको देखते हैं. और बिटकॉइन जो है वो सॉल्व किस तरह करता है इन इश्यूज को, ठीक है ना. बिटकॉइन की ट्रांजेक्शंस क्या है, कैसे काम करती हैं, ठीक है ना. इसी तरीके से ब्लॉकचेन ने किस तरह रेस्क्यू किया है इस पूरे सिस्टम को, ठीक है ना. इंशाल्लाह हम उसको जस्टिफाई करेंगे.
कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ उसके फीचर्स हैं, यूज केसेस हैं, और इंशाल्लाह एंड में बैंकिंग यूज केस डेमो, जिसका मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, जो आप सबसे पहला पॉइंट है कि जो करंट बैंकिंग सिस्टम है उसमें इशू क्या है सबसे बड़ा, ठीक है ना, उसमें ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक पर्सन है, कैडलर है, जो है को बेसिकली $100 शेयर करना चाहता है, तो वो जो थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी, जिसको आप बैंक कह रहे हैं या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कह रहे हैं, वो बीच में से $2 चार्ज कर लेता है, ठीक है ना। अब देखने में तो ये कोई अमाउंट नहीं लगती, ठीक है ना, कि भाई ठीक है जी यार, 100 है तो चलो $1 बैंक ने भी रख लिया या $2 बैंक ने भी रख लिया, तो व्हाट इज द बिग डील, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस जगह के ऊपर कि आप इमेजिन करें कि मिलियंस में या बिलियंस में ट्रांजेक्शन होती हैं, और हर ट्रांजेक्शन के पीछे जो बैंक है वो अपनी कोई ना कोई फी चार्ज करता है, अपनी कोई ना कोई फी चार्ज करता है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका मतलब है कि यार ये तो बहुत ह्यूज अमाउंट बनती है जो बैंक्स जो है ना, बेसिकली खाली ट्रांजेक्शनों के ऊपर और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट के लिए सही आपसे फीस बेसिकली चार्ज कर लेते हैं। अब ये जो $2 हैं, अब इन $2 को अगर आप बनाएं, तो मैं एक वो सर्वे बेसिकली इसमें देख रहा था कि जो बैंक ऑफ अमेरिका है या इस तरह के सिमिलर बैंक्स हैं, जो मतलब बिग बैंक्स हैं, वो $6 बिलियन लिटरली आई एम सेइंग $1 बिलियन $6 बिलियन खाली ट्रांजेक्शन फी के नाम के ऊपर रन करते हैं हर साल, ठीक है ना। मतलब आप ये देखें ना कि मतलब पाकिस्तान को $1 बिलियन मिल जाता है तो पाकिस्तान समझता है कि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। $1 बिलियन कहीं से हम लेट्स से हमें लोन मिल जाता है तो हम कहते हैं कि यार मतलब कि पाकिस्तान के तो सारे मसले ही रिजॉल्व हो गए। $6 बिलियन खाली वो उन्हीं लोगों के पैसों से जो उनके लोग वैसे वो किसी को भेजते हैं तो उसमें से चार्ज कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा हाई ट्रांजेक्शन फीस सबसे बड़ा इशू है। फिर उसके बाद जो दूसरा बैंकिंग सेक्टर में इशू है ना, वो डबल स्पेंडिंग का मसला है, ठीक है ना। डबल स्पेंडिंग का मसला है, ये डबल स्पेंडिंग में क्या चीज़ है कि लेट से पीटर है, उसने दो लोगों को कोई अमाउंट भेजनी है, ठीक है ना, दो लोगों को अमाउंट भेजनी है। अब एक उसके बाद टोटल $500 है, वो $400 एक को भेज देता है और एट द सेम टाइम $500 दूसरे को भेज देता है। अब क्योंकि $400 वाली जो ट्रांजेक्शन है उसके पीछे अगर मतलब आप ये अज्यूम करेंगे साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम ये दोनों ट्रांजेक्शन उसने की हैं, ठीक है ना, तो अगर आपका बैंक उसके ऊपर बेसिकली उसके पास अगर कोई प्रॉपर ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म नहीं है या प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा, डबल स्पेंडिंग में चार्ट आएगा। भाई उसके पास थे $500, उसने $500 थे उसने $400 उसको भेज दिए, $500 को भेज दिए, ठीक है ना। दिस इज टू इश्यूज हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, हाई ट्रांजेक्शन फीस और डबल स्पेंडिंग के जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व, जो मेन जो करंट बैंकिंग सिस्टम में इशू, ठीक है ना। अब एक और जो बैंकिंग करंट बैंकिंग सिस्टम में इशू है ना, वो ये है कि जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स हैं ना, वो क्या करते हैं कि ना वो उन लोगों को जो करंटली एग्जिस्ट करते हैं ना, मतलब ये कि ऐसे लोगों को लोन दे देते हैं, हाई अमाउंट्स में लोन्स दे देते हैं, जो क्या है बेसिकली उसमें किसी किस्म का उनमें एबिलिटी नहीं होती कि उनको वो वापस कर सकें, ठीक है ना। अब लेट से बैंक है जी बिलियंस में लोन दे देता है लोगों को, ठीक है ना। अब लोगों में या तो किसी और तरीके से लोग उस लोन को माफ करवा लेते हैं, या उनमें एबिलिटी नहीं होती, उनमें इतना उनका बिजनेस ही नहीं होता जिससे वो लोन को वापस कर सकें। तो जो तीसरी चीज है वो फाइनेंशियल क्राइसिस और क्रैशेज हैं बैंक्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स के, ठीक है ना, जिनकी वजह से जो मेन इशू जो है ना वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर आता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि जो आपका बिटकॉइन है, ठीक है ना, या बिटकॉइन में इन टर्मिनोलॉजीज को भी डिफाइन कर देता हूँ कि जी बिटकॉइन मतलब बिटकॉइन इज बेसिकली अभी मैं इसको क्रिप्टो करेंसी नहीं, मैं अगर अब इसको ये कहूँ कि बिटकॉइन एक ऐसा सिस्टम है जिसके जो ब्लॉकचेन की बेस के ऊपर ये चीज बनी हुई है, ठीक है ना। तो वो इन चीजों को कैसे रिजॉल्व करता है, इश्यूज क्या है, सेंट्रलाइज्ड पावर है, ठीक है ना, एक सेंट्रलाइज्ड पावर है, बैंक है, ट्रांजेक्शन फीस ले रहा है, इतने हाई अमाउंट में फीस ले रहा है। प्राइवेट लेजर्स, प्राइवेट लेजर्स का मतलब है कि जो बैंक है आपसे पैसे ले रहा है, ठीक है ना, और पैसे किसी जगह पे भी लगा देता है, ठीक है ना, और इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है ना, और बैंक जो है ना वो आपको पता ही नहीं होता कि आपका अमाउंट किधर जा रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है, जा रही है, हर चीज बैंक ने प्राइवेट रखी हुई है,
प्राइवेट लेजर्स के अंदर हर चीज मेंटेन की हुई है। और आए दिन आप स्प्रॉन्स हैक्स का मतलब है कि आए दिन आप समझते हैं कि जी फलाने बैंक का जो सिस्टम है ना वो डाउन हो गया, ठीक है ना, और जो सिस्टम है वो डाउन हो गया और हैक हो गया और इतने पैसे निकल गए उसके, ये प्रॉन टू हैक है ये चीज। और डबल स्पेंडिंग का इशू जिस तरह मैंने आपको बताया। अब जो बिटकॉइन है वो इन मसलों को कैसे कैसे रिजॉल्व करता है, मैं इसके ऊपर जा रहा हूँ। जो बिटकॉइन है उसने सेंट्रलाइज्ड पावर को डिसेंट्रलाइज्ड पावर में डिवाइड कर दिया सबसे पहले, ठीक है ना, थ्रू अ सिक्योर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। मैं इसका कंसेप्ट आपको बड़े डिटेल में भी आगे बताऊंगा कि जो लेजर है, जो ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री है, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं सारी आपके सिस्टम के अंदर, वो सारी की सारी डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब है कि हर एक के पास लेजर की कॉपी है, आपको पता है कि आपकी अमाउंट किधर जा रही है, किसको आप भेज रहे हैं, किसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन मैं आपको अगर आपको ये बताऊं कि अगर आप किसी बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं ना, ठीक है ना, आप बिटकॉइन से अगर आप सेल परचेज करते हैं, बिटकॉइन में किसी को पैसे देते हैं, रिसीव करते हैं, तो आप मतलब अगर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी 2009 में बनी थी ना, तो 2009 से लेकर अब तक एक एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड आपको पता होता है कि क्या है, कि कितनी ट्रांजेक्शंस हुई हैं, कौन सा पैसा किधर गया है, किसने पैसा किसको भेजा है, वो सारा का सारा आपके हाथ में होता है डू यूजिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बेसिकली, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज है वो मैंने आपको जिस तरह बताया कि इशू क्या था, प्राइवेट लेजर। अब जिस तरह वही मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि लेजर इज पब्लिकली अवेलेबल टू ऑल, ठीक है ना, मुझे भी पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, ठीक है ना, मतलब ये नहीं मुझे एनोनिमिटी, मैं अभी उस चीजों के अंदर जाऊंगा अभी डिटेल में, एनोनिमिटी है, मतलब एनोनिमिटी से मतलब है कि गुमनाम है आप उस लेजर के अंदर, आप गुमनाम है उस ब्लॉक के अंदर, आप गुमनाम है, लेकिन ये पता है कि यार ये ट्रांजेक्शन हुई है, यहाँ से यहाँ ये ट्रांजेक्शन हुई है, और वो कैसे वेरीफाई होती है हम उसकी डिटेल में जाते हैं। तो लेजर इज पब्लिकली एक्सेस टू ऑल, ठीक है। अब पीछे से कहा था कि जी प्रॉन टू अटैक, तो जो ब्लॉकचेन का पूरा सिस्टम बना हुआ है या बिटकॉइन का दोनों सिस्टम बना हुआ है, दोनों का डिफरेंस भी आ जाएगा, तो जो ट्रांजेक्शन्स हैं दैट आर इम्यूटेबल और दैट कैन नॉट बी हैक्ड, क्योंकि उसके बैकएंड के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म पड़ा हुआ है, बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का सिक्योरिटी मैकेनिज्म पड़ा हुआ है जो उसको बचाता है हैक से और सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होने से। मैं थोड़ा सा मैं ज्यूम कर रहा हूँ कि जरा ऑडियंस है वो इस लेवल के ऊपर है कि कुछ टर्मिनोलॉजीज जो मैं इस तरह की बोलूँ जो आपको नहीं पता तो यू कैन आस्क एनी टाइम, ठीक है ना। तो कॉम्प्रोमाइज हो जाए सिक्योरिटी और इसी तरीके से जो है स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफिक सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी होती है बेसिकली इंफॉर्मेशन हाइड करना, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी के मैटर्स जो है ना वो पीछे पड़े हुए हैं जो आपको सिस्टम को हैक नहीं होने देते, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो डबल स्पेंडिंग का इशू है वो कैसे उसने रिजॉल्व किया है कि आप डबल स्पेंडिंग आपको इसलिए नहीं अलाउड क्योंकि अगर आपने 500 अगर आपने भेज दिया है, ठीक है ना, अगर आपने 500 किसी को भेज दिया तो वो उस वक्त तक आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते जब तक वो वेरीफाई हो के आपके ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनती, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कि वो जो ट्रांजेक्शन जब तक वेरीफाई नहीं होती उस वक्त तक आप नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब जो बिटकॉइन है उस वो एक तो ये सारी चीजों को रिजॉल्व करता है बिटकॉइन नेटवर्क, और दूसरा क्या करता है कि जो ट्रांजेक्शन फीस हैं, ठीक है ना, मिनिमम है आपकी ट्रांजेक्शन फी, वेरी लेस और वेरी मिनिमल ट्रांजेक्शन फीस होती है। इवन आप याद रखें कि 600-700 टाइप के क्रिप्टो करेंसीज या ब्लॉक साइफर ब्लॉक चेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर। कुछ ऐसी हैं जो ट्रांजेक्शन फीस लेती नहीं है, कुछ ऐसी हैं जो इतनी कम है, दिस इज मिनिमम, ठीक है ना। लेकिन जो मोस्टली है जैसे बिटकॉइन है, ये ट्रांजेक्शन जो चार्जेस हैं वो आपसे नहीं लेते हैं बेसिकली, तो वो वाला जो मसला है वो भी उसमें रिजॉल्व होता है। अच्छा, अब ये बिट सबसे पहले हम देखते हैं कि जी बिटकॉइन ट्रांजेक्शन है क्या चीज, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को समझने के लिए जिसके ऊपर हमने इश्यूज रिजॉल्व किए हैं या इश्यूज को हमने देखा है या एड्रेस किया है। अब सबसे पहले हम जाते हैं कि जी ब्लॉकचेन चीज क्या है। सबसे पहले ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी बिहाइंड बिटकॉइन, ठीक है ना। ब्लॉकचेन जो आपकी क्रिप्टो करेंसीज जितनी भी बनी हुई है,
ठीक है ना, या क्रिप्टो करेंसीज, या इस तरह की जो आपकी रिनाउंड क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके पीछे जो टेक्नोलॉजी है दैट इज ब्लॉकचेन, ठीक है ना। जो ब्लॉकचेन है वो क्या है, बेसिकली ब्रेड एंड बटर है, स्पाइन है ऑफ अ बिटकॉइन सिस्टम, ठीक है ना। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट होल्ड द इनक्रिप्टेड लेजर, जो मैं अभी आपको कंसर्ट बताया कि पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट डेटाबेस है बेसिकली एक ब्लॉकचेन, पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, डेटाबेस है बेसिकली, मतलब डेटाबेस ही हो गया ना कि आपको भी, आपके पास भी डेटा है, मेरे पास भी डेटा है, थर्ड पर्सन जो है जो जो उस बिटकॉइन नेटवर्क का हिस्सा है उसके अंदर सब कुछ वो चीजें अवेलेबल, ठीक है ना। और जो क्या होल्ड कर रहा है, इनक्रिप्टेड लेजर, मैंने भी आपको चीज बताई है कि जो लेजर है ना, ये जो इम्यूटेबल टू हैक्स की मैंने आपको बात बताई है, उसके अंदर जो इनक्रिप्टेड लेजर है वो क्या है कि आपका जो लेजर है वो पूरा का पूरा इनक्रिप्टेड है, वो प्रॉन टू अटैक्स है, ठीक है ना। आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको आप जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे आपकी ट्रांजेक्शन आगे नहीं चल सकती। तो ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डेटाबेस जिसके अंदर होल्ड किस चीज को करता है, वो बेसिकली इनक्रिप्टेड लेजर को होल्ड करता है। और याद रखें कि ब्लॉकचेन के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एनोनिमस, गुमनाम, ठीक है ना। आप उस ब्लॉकचेन नेटवर्क का हिस्सा हैं, पूरा का पूरा पार्ट है उसका, लेकिन स्टिल आप जो है ना उस पूरे नेटवर्क के ऊपर क्या है, एनोनिमस है, ठीक है ना। एनोनिमस है कि भाई ट्रांजेक्शनें तो हुई हुई हैं, ट्रांजेक्शनें वेरीफाई भी हुई हुई हैं, लेकिन आपकी जो आइडेंटिटी है वो पूरी की पूरी एनोनिमस है उस पूरे नेटवर्क के अंदर, ठीक है ना, पूरे पूरे ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर, ठीक है जी। होप के थोड़ा सा कंसेप्ट बना होगा और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आया होगा कि आगे इसमें क्या चीजें चलने जा रही हैं, ठीक है जी। समझ आ रही है कुछ आप लोगों को? डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली। जी जी, श्योर सर। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली न्यू टू मी, बट अब जाहिर है, मुझे ये बताएं कि ये जो सिस्टम है जो कि जिसके पीछे स्पाइन आप फरमा रहे हैं ब्लॉकचेन है, जी जी, आई मीन कैन नॉर्मल करेंसी गो थ्रू दिस ऑल्सो? जी जी बिल्कुल, मतलब जी नॉर्मल करेंसी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो that can also be developed on a blockchain system. Distortion ji sir, सर जो नॉर्मल करेंसी की जो एक्सचेंजेस हैं, जो नॉर्मल करेंसीज हैं, जो क्रिप्टो करेंसी नहीं है, उसको भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलप किया जा सकता है। आंसर इज यस, ठीक है, बस सही। मैं आई जस्ट वांटेड अ स्मॉल क्लेरिफिकेशन टू अंडरस्टैंड, ठीक है, थैंक यू सर, कैरी ऑन प्लीज। अच्छा सर, एक मेरा भी एक क्वेश्चन था। जी, मैंने ये पूछना था कि जैसे हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो माइनिंग करते हैं इसकी, बेसिकली उनके पास ये ब्लॉकचेन्स पड़ी होती हैं और उनके पास वो डेटा होता है जी। एक तो आपने ये बात की कि ये डेटा सिक्योर्ड है, ये मतलब अगर मैंने कोई ट्रांजैक्शन की है तो कोई थर्ड पर्सन उस ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता कि कासिम ने कितने पैसे भिजवाए हैं किसी को। एग्जैक्टली तो इसमें कुछ मैंने सुना था, पढ़ा था एक जगह पे कि मनी लॉन्ड्रिंग को ये लोग चेक कर रहे हैं और क्रॉस चेक कर रहे हैं, तो वो चूंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सी चीज है तो इसके ऊपर किसी का राइट नहीं है, मतलब कोई भी एजेंसी वगैरह इसके अंदर से ये डाटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते जी। तो फिर ये क्यों कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह नहीं करेंगे, आप करेंगे तो आपके अकाउंट्स ब्लॉक हो जाएंगे एक्सेट्रा जी। देखिए, जो जहां तक ट्रांजेक्शन की वेरिफिकेशन का ताल्लुक है ना, कि भाई आपके पास, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास $50 थे और आपने किसी को $50 या लेस भेजे हैं, इस तरह की ट्रांजेक्शंस वेरीफाई करने के लिए स्पेशल माइनर्स मौजूद होते हैं ब्लॉकचेन नेटवर्क के अंदर। कंसेप्ट के ऊपर जाऊंगा, उनको ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई करने के बाद ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाया जाता है। नहीं, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल समझ आ गई, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि वो डेटा जो है वो बेसिकली माइनर्स के पास होता है। डेटा माइनर्स के पास है वेरीफाई करने के लिए खाली,
वेरीफाई करने के लिए, तो वो करने वो अगर वो वेरीफाई कर रहे हैं और वो जो सारी ट्रांजेक्शन है जो वो ब्लॉक चेन बन जाता है और फिर बेसिकली वो उनको एक रिवॉर्ड मिलता है इन शेप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, तो वो जो ब्लॉक चेन होती है जो बनती है वो बेसिकली कहाँ पड़ी हुई होती है इन्फॉर्मेशन? वो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन डेटाबेस है। अगर मैं ब्लॉक चेन का हिस्सा बनाऊं तो वो डेटाबेस मेरे पास भी डाउनलोड हो जाएगा पूरा, मैं भी ट्रांजेक्शन, जी जी, मतलब दिस इज एन ऑनलाइन डेटाबेस। ओके, एप्लीकेशन, नथिंग बट एन एप्लीकेशन। होप आई आंसर द क्वेश्चन। जी थैंक यू। जी, मैं अभी मैं आपके सारी इंशाल्लाह क्वेश्चंस आपके बिल्कुल ये कवर हो जाएंगे इसके अंदर आगे जाके। ठीक है दी, यहाँ से हमने बात कर ली कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है और उसके बाद होल्ड कर रहा है इनक्रिप्टेड बेसिकली लेजर को। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इस चीज में ब्लॉक क्या है? अब थोड़े से क्वेश्चंस आपके यहाँ भी कवर होंगे। ब्लॉक इज बेसिकली, जब आप एक ब्लॉक चेन की बात कर रहे हैं, ब्लॉक इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रीसेंट ट्रांजेक्शंस जो एक स्पेसिफिक टाइम में हुई है। ब्लॉक क्या है इस पूरी चेन के अंदर, वो क्या है कि एक 10 मिनट्स के टाइम के ऊपर जो डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज होती हैं उनके डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट करने के डिफरेंट टाइम्स होते हैं। ब्लॉक क्या चीज है, वो कलेक्शन क्या है जो उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो रिसेंट ट्रांजेक्शंस हुई है ना उनको वेरीफाई करके उस ब्लॉक का हिस्सा बनाना, ये बेसिकली एक ब्लॉक का काम है। इस तरह ब्लॉक जी, मैं सॉरी, आवाज आ रही मेरी? पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है। जी 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 ठीक ठीक हो गया जी। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है, अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। ठीक है ना, अब जो ब्लॉक है वो क्या कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है हैशेस। अगेन मैंने आपको बताया ना क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर लेजर, वो क्या कर रहा है बेसिकली हैश जनरेट कर रहा है उस चीज का, जो ट्रांजेक्शंस हुई हैं उन ट्रांजेक्शंस का हैश स्टोर कर रहा है ब्लॉक के अंदर, और जब वो वेरीफाई हो जाती हैं तो वो उसको ब्लॉक का हिस्सा बना देता है। ठीक है ना, और जो हैशेज हैं, हैश फंक्शन का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो तो हैश क्या चीज होती है, जिस तरह एक इंक्रिप्शन की डिक्रिप्शन होती है ना, इस तरह हैश का कोई बेसिकली डी हैश नहीं होता। हैश क्या चीज होती है कि अगर आप एक एक फाइल में अगर आपको दूं, वो एक हैश फंक्शन से गुजरती है और हैश फंक्शन एक फिक्स सीक्वेंस जनरेट करता है। अब अगर मैंने ये चीज देखनी है कि ये दूसरी वाली जो फाइल है वो सेम है या नहीं है जो मेरे पास आई है, तो मैं उसका भी हैश जनरेट करूंगा और दोनों हैशेस को आपस में कंपैरिजन करूंगा। तो मतलब क्रिप्टोग्राफिकली मैथमेटिकली इट इज इनफिजिबल टू जनरेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैश, ये इसका मेन की कंसेप्ट है। ठीक है ना, वंस इट इज वेरीफाइड द ब्लॉक्स बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ द ब्लॉक चेन एंड इट्स चेन कीप ग्रोइंग। ठीक है ना, जैसा मैंने आपको बताया कि जब वो वेरीफाई हो गया, उसका हैश स्टोर हो गया, अब वो जो परमानेंट पार्ट बन गया ब्लॉकचेन का, और वो जो चेन है वो ग्रो कर रही है, और वो जो चेन है 2009 के बाद अब तक वो मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आप ज़ूम करें कि हर 10 या 15 मिनट के बाद अगर एक ब्लॉक जनरेट हो रहा है तो मिलियंस में ब्लॉक्स जो है ना वो उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बेसिकली उस पूरे सिस्टम का हिस्सा बन चुके। ठीक है ना, वो जिस तरह आप बता रहा है कि एवरी 10 मिनट्स न्यू ब्लॉक इज जनरेट क्रिएटेड, 10 मिनट्स के बाद न्यू ब्लॉक है वो बेसिकली जनरेट हो रहा है। अच्छा ठीक हो गया जी। अच्छा अब हम जाते हैं कि जी बिटकॉइन, ये मैंने आपको जनरल कंसेप्ट बताया है बेसिकली बिहाइंड ब्लॉकचेन। ठीक है ना, अब हम जाते हैं जी कि व्हाट इज बिटकॉइन। ठीक है ना, बिटकॉइन जो है इज बेसिकली आर फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2009। ठीक है ना, बाय सटाशी नाकामोटो जो है ना, बेसिकली एक जापानीज बंदा है, उसने एक ओपन पेपर के अंदर एक कंसेप्ट दिया था बिटकॉइन का। ठीक है ना, अब जो बिटकॉइन है उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही है कि वो एक फर्स्ट डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है बेसिकली। ठीक है ना, और वो क्रिप्टोग्राफिक पैरामीटर्स को यूज करती है फॉर क्रिएशन एंड मैनेजमेंट। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि लेट्स से अगर ऑनलाइन एक क्रिप्टो करेंसी है तो उसका मतलब है कि जी बिटकॉइन जो है ना वो क्रिएट होते जाएंगे,
होते जाएंगे, उसकी कोई लिमिट नहीं है, नहीं, उन्होंने पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ है यूजिंग अ क्रिप्टोग्राफिक ऑपरेशंस। कि भाई एक उन्होंने सिंपल लिमिट दिया कि भाई लेट्स से 21 मिलियन टोटल बिटकॉइंस जनरेट हो सकते हैं। अब जिस तरह मैं अभी उन्होंने बात की थी, जिन्होंने पहले जो जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने बात की है, 9 है उनको रिवॉर्ड मिलता है। इसका मतलब है कि अगर मैं माइनर बन जाऊंगा, मैं भी रिवॉर्ड लेना शुरू कर दूंगा, तो क्या बिटकॉइन ग्रो करता जाएगा दुनिया में और उसकी कोई लिमिट नहीं होगी? ऐसा नहीं है। याद रखें जो बिटकॉइन है वो एक टिपिकल क्रिप्टोग्राफिक मैथमेटिकल कम्प्लेक्स ऑपरेशन के साथ उन्होंने उसको कंस्ट्रेन किया हुआ है और उसको वो अपडेट करते हैं वक्त के साथ साथ, ठीक है ना। वो मैं आपको बताता हूँ कि वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है, कि जब आप वेरीफाई करते हैं उस ऑपरेशन को, तो तब आपके पास वो बेसिकली उसको ब्लॉकचेन का हिस्सा बनाता है, ठीक है ना। थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी चीज है वो ये है कि बिटकॉइन जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट हुआ है, पीयर टू पीयर ओपन लेजर है। बेसिकली पीयर टू पीयर ओपन लेजर का वही मसला है, जिससे हमारा पता है डिस्ट्रीब्यूटेड एक सिस्टम है, पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है कि भाई मेरी ट्रांजेक्शन दूसरे को, मतलब मेरी ट्रांजेक्शन जो है ना वो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में पीएस जो है ना वो एक दूसरे की ट्रांजेक्शन को बेसिकली वेरीफाई कर रहे हैं और कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, जो एक ब्लॉक होता है ना, याद रखें कि मेरी बात, जो ब्लॉक है वो तीन कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर मेनली। एक ब्लॉक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स हैश एल्गोरिथम है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स हैश एल्गोरिथम है जिसमें एक छोटा सा पॉइंट, अगर एक छोटी सी वैल्यू भी आप उसमें चेंज करते हैं तो वो उसको ट्रांजेक्शन को वेरीफाई नहीं करता और उस हैश वैल्यू को ब्लॉकचेन का हिस्सा नहीं बनाता। दूसरी जो चीज है कि जब वो चीज वेरीफाई होती है और वो हैश रखा जाता है, तो वो पूरा का पूरा जब ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती है तो तब वो हैश उसका हिस्सा बनता है। और जो थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसका मैं आगे भी कंसेप्ट डिस्कशन करने जा रहा हूँ, दैट इज प्रूफ ऑफ वर्क। वो कंसेप्ट है जो भी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करता है आपके इस पूरे नेटवर्क के अंदर, जो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करता है उसको कुछ माइन्यूट रिवॉर्ड मिलता है जिसको हम माइनर्स कहते हैं, ठीक है ना, रिवॉर्ड मिलता है। और याद रखें कि इस तरह नहीं है कि भी आपने एक माइनिंग का सिस्टम लगाया, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए इस काम के लिए। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर काफी कम्प्लेक्स क्रिप्टोग्राफी बेस्ड मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं जिनको सॉल्व करना पड़ता है और फिर ट्रांजेक्शन का हिसाब बनना पड़ता है। स्पीकिंग नॉन टेक्निकली अगर मैं ये कहूँ कि वो ट्रांजेक्शंस जितनी हुई हैं, अगर मैंने $50 की ट्रांजेक्शन की है तो वो मेरी पूरी हिस्ट्री देखेगा उस ब्लॉक चेन के अंदर कि भाई $50 मेरे पास कब आए थे, एक से $20 आए थे, दूसरी $30 आए थे, मैंने स्पेंड नहीं किया, मैंने किसी को दिया नहीं है। इसके बैकएंड के ऊपर एक पूरी की पूरी कैलकुलेशन होती है और वो ट्रांजेक्शंस को जो वेरीफाई करते हैं दे आर माइनर्स, और वो जो माइनर्स होते हैं फिर उसको रिवॉर्ड में बेसिकली बिटकॉइन उनको मिलता है, ठीक है जी। इसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं, बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क है भाई मैं अगर ट्रांजेक्शन वेरीफाई करूंगा तो वो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। वो अमूमन लोग इसमें क्या करते हैं कि लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि भाई बहुत सारे लोग हैं वो माइनर्स बन गए, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, अगर लेट से याद रखें कि अगर एक जो $57,000 का बेसिकली एक बिटकॉइन है लेट से, अब वो क्या होगा कि अगर 10 माइनर्स हैं तो जब वो रिवॉर्ड मिलेगा तो हर एक को लेट से $5,000 भी मिल रहे हैं, तो सोचे कितनी अमाउंट बन जाती है, ठीक है ना। लेकिन कितने माइनर्स होंगे, कितने माइन करेंगे, ये सारी की सारा जो बिटकॉइन नेटवर्क है वो उसको कंट्रोल करता है। ये इस तरह से नहीं है कि ये चीज बढ़ती जा रही है और कोई लिमिट नहीं है। उन्होंने जो डिमांड सेल परचेज जो बिटकॉइन की रखी हुई है ना, वो भी एक लिमिट में रखी हुई है कि भाई इतने लेट्स से 21 मिलियन टोटल जनरेट हो सकते हैं, बस उससे ज्यादा जनरेट ही नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो इसलिए उस चीज को उस कंस्ट्रेंट में रखते हुए उस पूरे सिस्टम को वो चला रहे हैं। इसमें एक सवाल है छोटा सा। जी जी श्योर। जो इसमें सतोशी नाका मोटो, क्योंकि सर एक हम बहुत बड़े सिस्टम की बात करें जिसके पीछे हमने एक बंदे का भी नाम लिया होगा, सर, क्योंकि ये जितना आपने सिस्टम किया ये तो एक बहुत ही ह्यूज लाइक मेगा कॉर्पोरेशन टाइप काम है, जो कि इंटरनेशनली को बहुत बड़ा बिजनेस है जो कि मिल को इसको चला रहा है शायद। लेकिन हम प्रैक्टिकली देखते हैं या नेट पे भी सर्च करते हैं तो सतोशी नाका मोटो का ऐसा कोई नेक्स्ट स्टेप हमें नहीं मिलता। और फिर एक किस्म का ये जो है ना इसकी सर्च वो एंड हो जाती है वेरी शॉर्ट स्पैन के, इधर खत्म हो जाती है। सर ये कैसे, कौन है बंदा, या ये कोई बंदा था भी कि नहीं, या इतना बड़ा सिस्टम, मतलब हु इज समहाउ
इनिशिएटर या ये कैसे है सर ओवरऑल सिस्टम की हमें वैल्यू जानने के लिए हम बात कर। जी जी बिल्कुल, आप आपको बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। देखिए साशी नोकामोटो जो है ना, बेसिकली इसने सिर्फ और सिर्फ उस कंसेप्ट को लेके आया था वो 2009 में कि भाई इस तरह की क्रिप्टो करेंसी हो सकती है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो ना, ठीक है ना। लेकिन मतलब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैं अगर इसमें नॉन टेक्निकली इस पर बात करूँ कि बेसिकली अब वो कंसेप्ट बन गया है, ठीक है ना। और वो जो बिटकॉइन करेंसी है वो अगेन आप देखें कहते क्या क्या तो आप यही रहे हैं कि हम भी यही कह रहे हैं कि बेसिकली कोई सिंगल पार्टी उसको ओन नहीं कर रही है। लेकिन अगर आप उसको देखें कि वो कहते हैं कि जहाँ 21 मिलियन टोटल होंगे, ये भी तो किसी ने डिफाइन किया है, ठीक है ना। हाँ जी, और अब ये स्टॉक वाला सिस्टम तो है नहीं कि भाई अगर लेट से बिटकॉइन जो है ना उसकी ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होगी तो स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा तो स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। ये तो टोटल सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर चल रही है वो चीज कि भाई जितनी अब लेट से सप्लाई बढ़ेगी या बहुत ज्यादा लोग परचेज करने वाले होंगे और सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज होगी। इस तरीके से आपका जो बिटकॉइन सिस्टम है पूरा वो चल रहा है। अगेन याद रखिए मेरी बात पे, जो इंटरनेट है, ठीक है ना, अभी आप ये देखें कि अगर आप इंटरनेट को कहते हैं ना कि यार इंटरनेट एक चीज एस्टेब्लिश हुई है और इंटरनेट आप खुद आप जब आप अपना नेटवर्क बनाते हैं तो आप इंटरनेट का हिस्सा बनते हैं, ठीक है ना। आप खुद उसको एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हर चीज जो है ना वो बैक एंड के ऊपर मेरा ख्याल है कि वो कंट्रोल होती है जिन्होंने ये फंडामेंटली चीज एस्टेब्लिश की हुई होती है, ठीक है ना। तो मैं मुझे वही आपका आप बिल्कुल आपका क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे जहन में क्वेश्चन आता है यार 21 मिलियन का जो फिगर है ये किसने दिया है, इसका मतलब है कि यार वो। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है बिल्कुल। सर आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी, ये जो इजाज है ना साहब ने बात की है सर, मुझे मुझे आई हैव अ काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो पता टेक्नोलॉजी का बंदा नहीं हूँ, थोड़ी बहुत मैनेजमेंट यार। इसका मतलब है कि द पीपल हु आर मेकिंग मनी आउट ऑफ बिटकॉइन आर बेसिकली द माइनर्स, इज दैट अ करेक्ट परसेप्शन? एग्जैक्टली जी बिल्कुल, जो माइनर्स हैं या माइनर्स के थ्रू रिवॉर्ड के थ्रू वो गेन कर रहे हैं या ऐसे लोग हैं जो बिटकॉइन को परचेज कर रहे हैं और उसकी प्राइस ऊपर नीचे होके कमा रहे हैं। ठीक ठीक, दो ही तरीकों से। जी जी, थैंक यू सर। दो ही तरीकों से बिटकॉइन, आप या तो आप बिटकॉइन क्या कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं या आप उसको अर्न कर सकते हैं यूजिंग माइनर्स। लेकिन माइनर माइनिंग के पीछे भी बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है, लोग बहुत सारे मिल के इसको करते हैं और उसकी भी लिमिट्स होती हैं। मतलब ये नहीं है कि अन वो जैसे कहते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा इस तरह का प्रॉफिट नहीं है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है, उनको उसको भी उन्होंने कंट्रोल किया था, बेसिकली माइनिंग को भी कंट्रोल किया। अच्छा, आई एम सॉरी मैं आपको बॉदर कर रहा हूं, बट जस्ट टू फिनिश व्हाट इजाज साहब हैड स्टार्टेड, एक्चुअली क्या कोई एविडेंस ऐसी भी है कि इसके पीछे इंटरनेशनल बैंक्स या गवर्नमेंट्स हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, इस तरह के जो पॉलिटिकल चीजें हैं और इसके अंदर वो भी इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है इसके अंदर इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक जी, ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू जी। और वही बात है ना सर सरफजल के, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री को कुछ और चीज करके दिखाते हैं, असल में बैक एंड पे जो है ना वो सिस्टम कुछ और चल रहे होते हैं ना। बिल्कुल सर, मैं समझ गया, मैं आई जस्ट वांटेड टू क्लेरिफाई, क्योंकि वो इजासर ने भी सवाल किया था, मैंने कहा मैं समझ लूं कि एक चक्कर क्या है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, लेजर इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, अगेन लेजर बना किस तरह से है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, उसका मैंने आपको कंसेप्ट बना दिया। आप मुझे ओवरऑल, मैं होप करता हूँ कि आपको जनरल कंसेप्ट समझ आए, ठीक है ना, सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स और इस तरह की चीजों को वो रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, किस तरह एक टिपिकल बिटकॉइन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस करती है, जनरल मैंने भी आपको जो माइनर का कंसेप्ट बताया उसमें मैं क्विक एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ कि लेट से जो जेम्स है उसने लेट से कुछ अमाउंट जो है ना वो कैबिन को भेजनी है, ठीक है ना। अब अगर उसके पास $500 हैं और वो कैबिन को लेट से $400 देना चाह रहा है, तो वो इसके ऊपर जब एक्सचेंज करेगा तो यहाँ जो टिपिकल माइनर्स होंगे ना वो इस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे, ठीक है, कि भाई उसकी पूरी हिस्ट्री पीछे देखेंगे जेम्स की, कि जेम्स के पास क्या $500 का बैलेंस है या नहीं है, ठीक है ना, या उसको कहीं से रिसीव हुआ है या उसने कुछ बिटकॉइन परचेज किए हैं। ये जो पूरी की पूरी चीज है वो करने के बाद जब वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाती है तो उसको हैश बनाता है, और हैश करने के बाद वो बेसिकली उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बना देता है, और इसके अगेंस्ट ये जो माइनर्स होते हैं ना इनको रिवॉर्ड मिलता है, बेसिकली ये जनरल सा कांसेप्ट है, ठीक। अच्छा, अब ये जो आपका जो बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन हुई, मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह ये
अच्छा इसका ये जो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है ना, इसका डिफरेंट एस्पेक्ट से डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। कुछ अकाउंट नंबर्स हैं, कुछ बैलेंसेज हैं कि लेट्स से इतना बैलेंस है इसका, इतना बैलेंस है, यहाँ से 500 प्लस हुए हैं, यहाँ से 500 माइनस हुए हैं। जब ये ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाती है तो वो ब्लॉक चेन का हिस्सा बन जाती है, और आपका फर्स्ट ब्लॉक के बाय जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी हम देखेंगे, आपके जो ब्लॉक चेन है बेसिकली ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, और मिलियंस ऑफ ब्लॉक्स जो है ना वो ऑलरेडी ऐड हो सकते हैं इस ब्लॉक चेन के, ठीक है ना। यहाँ जो मैंने आपको बात बताई है कि जी माइनर्स की जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वेरीफाई करता है ट्रांजेक्शन को कि सफिशिएंट बैलेंस है या नहीं है, ठीक है ना। एग्जैक्ट रोल है माइनर्स का इसमें, चेक द कंप्लीट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री ऑफ जेम्स, ठीक है ना, कि उसके पास $500 है और उसने स्पेंड नहीं किया किसी जगह के ऊपर। When block itself is validated, money detected and added respectively, ठीक है ना? It take 10 minutes or so to be validated. एक उन जो mostly cryptocurrencies हैं उन्हें अपना अपना एक time fix किया हुआ है इसके अंदर के भाई 10 minutes के बाद जो है ना, अब जो जो transactions verify होती हैं उसके बाद एक block create होता है और वो सारे उसके अंदर add हो जाते हैं जाके। Double spending का issue करता है, completely void करता है इस तरह की, क्योंकि वो जो है ना जब तक आपकी transaction verify नहीं होती उस वक्त तक हम next transaction नहीं करते। इसमें क्या गेन होता है उनको, इंसेंटिव मिलते हैं क्रिएशन ऑफ न्यू ब्लॉक के अंदर, ठीक है ना, और वो उनके बिटकॉइन वॉलेट में डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जब आप बिटकॉइन का हिस्सा बनते हैं तो आपका एक स्पेसिफिक वॉलेट होता है और उस वॉलेट के अंदर लेट से आपने कहा कि जी 0.1 बिटकॉइन जो है ना वो उसको रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है ना। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है माइनिंग के अंदर, मैंने आपको पहले बताया कि हाई एंड सर्वर्स हैं, क्योंकि इसके पीछे जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है ना, जिसको मोर टेक्निकली स्पीकिंग कि जो सॉल्व करनी होती है उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई एंड सर्वर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है इसके अंदर इस माइनिंग को काम करने के लिए, ठीक है। माइनर्स पूल रिसोर्सेज टू अर्न, ठीक है ना, जो माइनर्स होते हैं वो पूल कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज को ज्यादा अर्न करने के लिए और डिवाइड करने के लिए कम इन्वेस्टमेंट और सबको चीज मिले। कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व इन माइनिंग अ ब्लॉक कीप ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है ना। आपको बताया कि ये नहीं है कि जी एक रैंडम उसके अंदर लोग एंटर हो रहे हैं, जितना ग्रो कर रहा है वो डे बाय डे जो है ना वो ऐड होता जा रहा है इसमें। मोर ऑन पीपल फॉर कमिंग बट वी हैव टू मेक श्योर बिटकॉइन इज नॉट डिप्लीटेड, ठीक है ना। वो उन्होंने मेक श्योर किया हुआ है कि यार ये नहीं है कि अगर मिलियंस ऑफ माइनर्स आ चुके हैं तो इतना ज्यादा हो गया कि जो एक लिमिट के अंदर जो उन्होंने बिटकॉइन रखनी है वो इंक्रीज ना हो, वो उसको डिप्लीट नहीं होने देते, ठीक है ना। ब्लॉकचेन, अगर मैं बात को समराइज करूं तो ब्लॉकचेन ने किस तरह बिटकॉइन सॉल्यूशंस को रखा है कि ट्रांजेक्शन इज ब्रॉडकास्टेड टू अपीयर टू बी अ नेटवर्क, ठीक है ना, जहां जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है, आपके माइनर्स हैं उसको वैलिडेट करते हैं, वैलिडेशन हो जाती है तो एक न्यू ब्लॉक क्रिएट होता है लेजर के अंदर और उस ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है और उसके बाद आपके पास ये ट्रांजेक्शन जो है ना वो वेरीफाई होता है। अगर ये जो कंप्यूटर है हमारा जो ट्रांजेक्शन कर रहा है, अब यहाँ पे अगर मस्क बैठा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये समझ नहीं आएगी कि वाई वुड मस्क गो थ्रू दिस प्रोसेस। जो आखिरी आप चीज दिखा रहे हैं कि यहाँ से इसका जो भी है ट्रांजैक्शन वेरीफाई हो जाएगी, आई मीन समबडी, मतलब सिंपल सा मेरा सवाल है कि जो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है प्रोसेस के शुरू में, उसको आखिर में क्या मिल रहा है? जो सर जो बेसिकली आप बात कर रहे हैं कि जो माइन कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, जो वेरीफाई कर रहा है, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो शुरू में समबडी, जैसे आपने इसमें बनाया ना फिगर, someone has requested a transaction, ठीक है सर? ठीक है। मैं कहता हूँ वो कोई बड़ा आदमी है, बेजोस है या मस्क है, उसके पास पैसा है, उसने इसमें इन्वेस्टमेंट डाली, जैसे आप कह रहे थे बड़े बड़े सर्वर्स, वो उसने इन्वेस्टमेंट डाली, उसको आखिर में क्या मिलेगा? विल ही गेट अ पेमेंट इन डॉलर्स? आई मीन जैसे आप बैंक में जाएंगे, जी बिटकॉइंस मिलेंगे उसको। अच्छा, नहीं तो अगर बिटकॉइंस मिलेंगे, देन आई हैव अ लीडिंग क्वेश्चन, अगर उसको बिटकॉइंस मिलेंगे और वो उसको जो नॉर्मल करेंसी है इंडियन रुपी, पाक रुपी या डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता है, वो कैसे करेगा? तो सर वो जो इनके वॉलेट्स हैं, जो इनके वॉलेट्स हैं बेसिकली, जिसके अंदर ये सारे बिटकॉइन की ट्रांजेक्शन होती हैं, दैट बिटकॉइन कैन बी इजीली बी कन्वर्टेड इनटू एनी कैश, इवन पाक रुपीज।
वो जो आप बात कर रहे हैं ना सर, वो जिन कंट्रीज में ये अलाउड है ना बीटीसी रखना और इस कारोबार को करना, उन कंट्रीज में इसके अपने मनी चेंजर्स हैं, इसे कहते हैं वहाँ एक्सचेंजेस कहते हैं वो लोग। लाइक कॉइन बेस नाम की एक एक्सचेंज यूके में है, तो जब आप अपना बिटकॉइन ले लेते हैं तो आप कॉइन बेस के एक्सचेंज में आपका बिटकॉइन आ जाता है, वहाँ आपका अकाउंट बनना होता है। तो कॉइन बेस की अकाउंट जो एक्सचेंज है ना, वो आपका ऑनलाइन अकाउंट है और आपके बैंक से कनेक्टेड है, और वहीं से आप अपने एक बीटीसी आप थ्रो करते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आपके बैंक अकाउंट में उतने यूएस डॉलर गिर जाते हैं जिन कंट्रीज में ये अलाउड है, जहाँ पे ये लीगल। और सर मजे की बात ये है कि कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे उन्होंने एटीएम मशीन्स भी लगा दी हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो आपको वो डॉलर्स या पाउंड्स जो भी हैं वो करेंसी भी मिल जाएगी। मुझे की बात उन्होंने कही है कि पेपैल बहुत जल्द कह रहा है कि मतलब वो लोग भी बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना मतलब स्टार्ट कर दिया है या करना है, कि वो बेसिकली आपके बिटकॉइंस को पेपैल के वॉलेट में शिफ्ट कर देंगे और आप वहां से कोई भी अपनी परचेजिंग कर सकते हैं जैसे आप डॉलर्स में। एग्जैक्टली और बिल्कुल आप इसमें इवन आपको ये भी एस्टोनिश होंगे सुन के, या शायद आप लोगों को पहले भी इस चीज का अंदाजा होगा कि जो बिटकॉइंस है ना, बिटकॉइंस हालांकि दिस इज फिजिकली नथिंग ना, लेकिन आप जिस तरह उसको सर ने बताया ना कि आप जिस तरह उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको आप इवन गोल्ड और सिल्वर में भी ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग बिटकॉइंस। अब सबसे ज्यादा कितनी मतलब एसेट वैल्यू उसकी देखें और बिटकॉइन की एसेट वैल्यू देखें क्या है, कितना डिफरेंस है ना दोनों की। ठीक है ना, आप बिटकॉइन के अगेंस्ट आप गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है ना, और जो जिन्होंने अलाउ किया हुआ है वहां तो आप अगेन विड्रॉ भी कर सकते हैं कैश। बैंक में आ गया सर, जो मर्जी खरीदें बेशक आप। एग्जैक्टली मतलब मैं कहने का मतलब है कि डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर में भी आप ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग बिटकॉइन्स। शुड आई मूव फॉरवर्ड? प्लीज सर। जी ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद अगेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइन हो गई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स हो गए, और ये मैंने आपको चीज बता दी, ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जी रीसेंट ट्रांजेक्शन्स हैं, परमानेंट डेटाबेस है, और इसी तरीके से 2009 के बाद जितने भी ब्लॉकचेन्स हैं टेक्निकली स्पीकिंग, जब आप उस बिटकॉइन का हिस्सा बनते हैं तो वो सारे के सारे जो है ना वो आप अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा आप एक छोटी सी, मैं थोड़ा सा लेट जॉइनर हूं, एक मैं क्वेश्चन था वो था रिगार्डिंग ब्लॉकचेन। जी सर, अभी ब्लॉकचेन तो अभी आया, इससे पहले हमारे पास ये मनी ट्रांजैक्शंस के इंटरनेशनली बहुत बड़े बड़े और अच्छे ऑथेंटिक सिस्टम्स थे, लाइक स्विफ्ट जिस तरह अकाउंट्स होते हैं आप स्विफ्ट ट्रांसफर करते हैं, एमटी जो अकाउंट्स होते हैं आप उनमें पैसे भेजते हैं, और एक स्विफ्ट आप यहाँ से जो कोड होता है उसको पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो क्या उनमें ये सफिशियंट सिक्योरिटी नहीं थी, जब भी जिस तरह मैं यहाँ से अमेरिका पैसे भेज रहा हूँ वो स्विफ्ट के थ्रू जाते थे पहले, एमटी सिस्टम होता था, तो उनमें नहीं थी, तो अभी ये आया है, या ये सिर्फ इट वॉज मेड फॉर द क्रिप्टो करेंसी और अभी लोगों को ख्याल आया है कि इसको बैंकों में भी यूज किया जा सकता है, ये थोड़ा सा क्लियर करेंगे। जी 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 देखिए वो जो सिस्टम्स थे ना उनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस सिस्टम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है ना। वो भी सिस्टम्स देखिए जिस तरह टेक्नोलॉजी ग्रो करती है ना, वक्त के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है, तो वो भी उसी तरीके से एप्लीकेबल है, और ये भी इसी तरीके से अब जब नई टेक्नोलॉजी आ रही है, क्योंकि इसके यूज केस क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज्यादा बढ़ के है ना, इस तरह की चीजों के फाइनेंशियल चीजों से हट के बहुत ज्यादा इसकी एप्लीकेशन है, वहां भी यूज हो रहा है, लेकिन फंडामेंटली क्योंकि ये उसमें यूज हुआ क्रिप्टो करेंसी में, तो इसलिए वो इवॉल्व हो रहा है। अच्छा जी अब थोड़ा सा मैं मजीद टेक्निकल हो जाता हूँ इसके, उसके अंदर देखते हैं कि व्हाई ब्लॉकचेन इज सो पॉपुलर, ठीक है ना। उसमें मेन याद रखें कि तीन मेन टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हैं, एक क्रिप्टोग्राफी इसमें इन्वॉल्व है, पी टू पी नेटवर्क्स इन्वॉल्व हैं, और जो ब्लॉकचेन प्रोग्राम्स हैं जिसकी बेस के ऊपर ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो पॉपुलर है ब्लॉकचेन, ठीक है ना। अगेन मैं थोड़ा सा इसको प्रिसाइज बोलता भी जाता हूँ, लेकिन ये कुछ कंसेप्ट्स हो सकते हैं कि आपको वो भी क्लियर हो। प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट है, ठीक है ना, कि
जो रिसीवर है वो जो सेंडर है वो रिसीवर्स की बेसिकली रिसीवर की पब्लिक की से चीज को इनक्रिप्ट करता है और जो रिसीवर है वो अपनी प्राइवेट की से उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। आपका जो पब्लिक की का सिस्टम है पूरा का पूरा उसी को इनहेरिट किया हुआ है एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन को इन इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। कि जो बेसिकली जो आपका ये जो HTTPS का पूरा सिस्टम है वो HTTPS का पूरा सिस्टम है, जिसके अंदर सर्टिफिकेट्स का सिस्टम है, आपके पास पब्लिक की प्राइवेट की का सिस्टम है, वो एज इट इज इनहेरिट हुआ है इसमें सबसे पहले। फिर जो दूसरी चीज है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर लेट से एक सेंट्रलाइज लेजर है कि भाई इसने $5 भेजे, इसको यहाँ से $3 भेजे, यहाँ से $1 भेजे, ये जो पूरा सर्कल चल रहा है, अगर एक सेंट्रलाइज्ड अगर आपका लेजर है अगर वो करप्ट हो जाता है तो कोई रिकॉर्ड नहीं है कि किस किस तरीके से चीज को देखते हैं, ठीक है ना, और उसके बैकएंड के ऊपर क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है। तो आपका जो पी टू पी डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है वो हर एक के बाद एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है जो हर एक लेवल के ऊपर जो ट्रांजेक्शन है उनको देख सकता है और उसको वेरीफाई कर सकता है कि यार ये बाकी जो उसको ये $5 भेजा क्या इसको $5 थे या नहीं थे, अगेन जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके ऊपर ये मेन बेस करता है। और जो मेन दूसरी चीज है जिसके ऊपर ये चीज चलती है दैट इज डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है ना। जिस तरह ये आपका एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन है इसी में जब आप कीज का ऑर्डर रिवर्स करते हैं तो आपके पास बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर्स आ जाते हैं इसमें पी टू पी के अंदर। डिजिटल सिग्नेचर्स क्या चीज है कि आप अपनी प्राइवेट की से साइन करके भेजते हैं मैसेज को, ठीक है ना, और आपकी जो पब्लिक की है, देखें ये अगर आप इसका फ्लो देखें, आपका जो साइनर है बेसिकली वो आपके डेटा का हैश कैलकुलेट करता है, ठीक है। हैश कैलकुलेट करने के बाद ये हैशेज हैं, हैश कैलकुलेट करने के बाद जो प्राइवेट की है अपनी प्राइवेट की से उस मैसेज को एन्क्रिप्ट करता है या दूसरे अल्फाज में जिसको कहते हैं साइन करता है बेसिकली। और आपका डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट होता है, ये डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट है कि उसका हैश भी निकला हुआ है और उसका बेसिकली उसको उसने साइन भी किया हुआ है। अच्छा, रिसीवर साइड पर क्या होता है, जब आप नेटवर्क को बताया डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट है, डिक्रिप्शन किससे होती है, पब्लिक की ऑफ दैट सेंडर जो साइनर है बेसिकली उसकी, क्योंकि जो डेटा आपकी प्राइवेट की से साइन होगा वो आपकी ही पब्लिक की से बेसिकली वेरीफाई भी होगा। वहां से आपकी पब्लिक की से वेरीफाई हुआ और उसके बाद जो हैश है, हैश का मैंने आपको तरीका बताया कि हैश का इंक्रिप्शन की डिक्रिप्शन है, उसमें हैश तो कोई डी हैश नहीं होता, लेकिन आप हैश एक आपको रिसीव हुआ हैश और एक आप कैलकुलेट करते हैं हैश, अगर ये दोनों आपस में सेम है तो आप कहते हैं कि आपका मैसेज जो है ना वो मॉडिफाई नहीं हुआ, उसकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। इस तरह के जो सिस्टम है वो P2P networks के अंदर blockchain inherit करता। इसी तरीके से जो थर्ड चीज मैंने आपको यहाँ बताई है कि that is blockchain technology में blockchain program, वो क्या है, implementing multiple solutions concept जाके many languages blockchain का program है। अभी मैं आपको open source बहुत सारे tools बताऊंगा जिसके अंदर रहते हुए आप blockchain के system को बना सकते हैं, establish कर सकते हैं। programming languages बहुत सारी available है जिसको आप यूज करते हुए सिस्टम बना सकते हैं और एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपना एक बैंकिंग सिस्टम बना सकते हैं कि भाई इस तरीके से एक डिसेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम मैंने एस्टेब्लिश कर लिया। सॉलिडिटी प्रेफर्ड लैंग्वेज है इन एनी ब्लॉकचेन्स। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, डंब क्वेश्चन बट आई हैव टू, मैं समझने के लिए इसकी श्योर श्योर से जरूर एनी टाइम। सर जी 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 जी, अब जैसे तीनों है P2P है, ये तीनों इकट्ठी यूज हो रही है, उसको वेरीफाई भी करेंगे और इंक्रिप्शन भी करेंगे, हैशेस भी डालेंगे, ये सारी चीजें मिला के उसको आप क्रिप्टोग्राफिकली इंक्रिप्टेड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इसमें थोड़ा सा वो डिजिटल ग्रीक हो रहा है थोड़ा हमारे लिए, हम जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। सर ये जो इसमें इतना जो ये एक बहुत ही, क्योंकि आज 21st सेंचुरी में बन रहा है बहुत ही हाई टेक सिस्टम होगा जो कंप्यूटर फुली मैच्योर हो चुका है, इसमें सर तब भी मार्केट में जब हम बातचीत करते हैं तो एक कुछ लोग बताते हैं एक फ्लैश BTC होता है, क्योंकि कहने को दो नंबर BTC होता है, ईद मुबारक वाला लिखा हुआ नोट होता है। तो ऐसा सर ये फिर ओवरऑल क्या ऐसा मुमकिन है, और या ऐसे कॉन्सेप्ट्स भी इसके पैरेलल ही चल रहे हैं, इस सारे को डिफीट करके भी लोग ये काम कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, उसके अंदर फ्रॉड है बहुत ज्यादा,
क्रिप्टो करेंसीज ऐसी बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं जो फ्रॉड के ऊपर चलती हैं, वो ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है। लेकिन मैं मतलब अगेन यहाँ नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी मेरे सामने है, एक इसी तरह की क्रिप्टो करेंसी है जो कम्प्लीटली ब्लॉक चेन के ऊपर स्टेब्लिश हुई भी है, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर भी है, P2P नेटवर्क भी है, ओपन सोर्स एनवायरमेंट के ऊपर बनी हुई है, आपके मार्केट कैप के ऊपर लिस्टेड भी है, लेकिन स्टिल जो है ना वो फेक करेंसी है। तो इस तरह की बहुत सारी जो है ना बिल्कुल इस तरह के फ्रॉड मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, कोई शक नहीं। थैंक यू जी, बिल्कुल। तो इसके लिए जो जब आप इन्वेस्टमेंट करें इसके अंदर खासतौर पर बिटकॉइन वगैरह के अंदर, तो बी वेरी विजिलेंट और आप देख के उन चीजों को करें लाजम। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर, एक चीज मुझे आप बताइएगा, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहे हैं या हम ये ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं? हम ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर जो क्रिप्टो करेंसीज है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, बिटकॉइन मुझे ये पूछा था, इथेरियम दो जी, मुझे ये पूछना था जैसे और दूसरी करेंसीज हैं जैसे रिपल है, जैसे डॉट लिंक है, बेशुमार है, काउंटलेस है, डॉज कॉइन है, बहुत सारे हैं। तो जैसे बिटकॉइन का आपने हमें समझाया कि ये मतलब है बेसिकली लेजर्स मेंटेन करती है और जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उसको कैलकुलेट करती है, तो क्या हर क्रिप्टो करेंसी का यही काम है कि वो इस इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं करती हैं, या दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनका कुछ कुछ और लायमल होता है? जी बिल्कुल जी, देखिए जो क्रिप्टो करेंसीज है ना उसके पीछे बैकएंड पे है तो वही फाइनेंशियल एक्टिविटी है ना, कि आपने कोई चीज सेल करनी है, परचेज करनी है क्रिप्टो करेंसी किसी को, जिस तरह अब नॉर्मल करेंसी होती है, आप नॉर्मल करेंसी क्या करते हैं, आप डॉलर खरीदते हैं, जब डॉलर फ्लैट से आप हुआ आपने बेच दिया, उसके अंदर से आपने उसमें कोई चीज कमा ली, तो है क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जिस तरह आपने नॉर्मल को कमोडिटी को खरीदनी है, आपने उससे वो प्रॉफिट कमाना है, उससे प्रॉफिट करना है, क्रिप्टो करेंसी का वही काम है सारा का सारा, लेकिन उसके बैकएंड पे जो टेक्नोलॉजी है वो दैट कैन डिफर। नहीं सर, एक एक जगह मैंने वैसे एक चीज पढ़ी थी जो कि जिससे मेरे जहन में एक कंफ्यूजन सी पैदा की है कि बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज, जैसे फॉर एग्जांपल हम ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि एक एक्स वाई जेड क्रिप्टो करेंसी उन्होंने बनाई है और उसके बैकएंड पे उस क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है उसका मकसद ये है कि अमेरिका में यूरोपियन कंट्रीज के अंदर वेबसाइट्स के ऊपर फेक चीजें बहुत मिलती हैं, तो उन फेक चीजों को फिल्टर करने के लिए कि इन चीजों में, क्योंकि अलग अलग वेबसाइट्स को, जैसे OLX हो गया हमारे यहाँ पर, दराज हो गया, मतलब वहां पे बहुत सारी और कंपनीज भी हैं, तो उसके ऊपर लोग चीजें बेच रहे होते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें ओरिजिनल होती हैं, नाइकी के शूज फॉर एग्जांपल, कुछ लोग ओरिजिनल बेच रहे होते हैं, कुछ लोग फेक बेच रहे होते हैं, तो उस बेसिकली टेक्नोलॉजी इन क्रिप्टो करेंसीज की जो बैक एंड पे टेक्नोलॉजीज का मकसद है वो ये है कि जैसे वन ऑफ देम इज के वो इन चीजों को फिल्टर आउट करके वेबसाइट्स को यूजर्स को बता रहे हैं कि भाई ये फेक है, ये आपने अपलोड नहीं होने देना, ठीक है, और ये आपने अपलोड होने देना बिकॉज ये राइट है, वो इतनी पीछे उनकी वो प्रोसेसिंग फास्ट हो रही है कि वो लोग इस चीज को फिल्टर करते हैं, तो क्या ये बात ठीक है या ये वो बस ये लेजर तक ही लिमिटेड है? नहीं नहीं, लेजर से आगे मैं भी इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा फास्ट चलता हूँ, मेरा उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, मैं आपको बताऊंगा कि आगे यूज केसेस इसके बेतहाशा है ब्लॉकचेन के, ठीक है ना, उसमें जो आप बात कर रहे हैं रियल स्टेट में यूज हो रहा है ये, हेल्थ केयर में यूज हो रहा है ये, ऑनलाइन म्यूजिक में यूज हो रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज हो रहा है, पेमेंट सिस्टम में यूज हो रहा है, वोटिंग सिस्टम जिसके ऊपर बन रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी है, और उसके ऊपर जिस तरह आपने आपने भी एक यूज केस की एग्जांपल दिया है भाई कि कौन सी वेबसाइट जो है ना वो नॉर्मल है, कौन सी वेबसाइट फेक है, ये सारी चीजें भी ब्लॉकचेन के ऊपर स्टेब्लिश की जा सकती है। ठीक, थैंक यू सर, बिल्कुल की जा सकती है, इसके यूज केसेस इस तरह के हैं। ठीक हो गया जी, माइनर्स हो गए, मैथमेटिकल मैंने आपको प्रिंसिपल्स बता दिया ऑटोमेटिकली कंटीन्यूअसली, और जो उसको करप्ट करना चाहता है वो इन ट्रांजैक्शंस के अंदर वो चीज डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है, तीन टाइप्स के ब्लॉकचेन टाइप्स होती हैं, पब्लिक है, प्राइवेट है, कंसोर्शियम। बेसिकली पब्लिक इस तरह के हैं जिस तरह ये जो आपके ये जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो बने हुए हैं ये आपके, वो सारे के सारे पब्लिक हैं,
कुछ जो है ना, लेट से एक एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन अपनी ट्रांजेक्शंस के लिए, या एक बैंक जो है ना वो अपने प्राइवेट एक ब्लॉकचेन इंप्लीमेंट कर सकती है, पूरा तो प्राइवेट भी होते हैं और जो कंसोर्शियम होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं बेसिकली दोनों का। तो सो व्हाट इज ब्लॉकचेन इज यूज द यूज ऑफ मैथमेटिक्स to create a secure distributed ledger which enable transactions without the need for the third parties. ये basically blockchain का concept है सर। अब मैं आप जो जी this one comment, अगर हम इसी पे देखें, इसका मतलब है कि जो शुरू में आपने बताया था कि what they've done is कि they've removed the banker, right? जो के वो $2 ले रहा था उसको फारिग कर दिया, third party को नहीं। जी 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 exactly बिल्कुल जी। अच्छा, आप जो इनका क्वेश्चन था उसके ऊपर मैं एक दो यूज केसेस डिस्कस कर लेता हूँ। बैंकिंग में अगेन, पेमेंट में, ट्रांसफर्स में, ठीक है ना, वॉलेट्स हैं बकायदा, उसके अंदर आप एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के ऊपर पेमेंट करनी है, आपने उसको वेरीफाई करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है ना वो ब्लॉकचेन का यूज केस है। हेल्थ केयर में आप ज़ूम करें कि जी तमाम जो लोग हैं उनका तमाम की जो मेडिकल हिस्ट्री है ना वो सारी की सारी एक हेल्थ केयर ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है ना, कोई उसको देख नहीं सकता। लेकिन अगर मैं अगर किसी को अपनी पब्लिक की शेयर करता हूँ तो वो मेरी, लेट्स से मैं डॉक्टर से पब्लिक की शेयर करता हूँ तो वो डॉक्टर जो है ना वो मेरी मेडिकल हिस्ट्री देख सकता है, ठीक है ना। इस तरह की एप्लीकेशनें एग्जिस्ट करती हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के अंदर यूज करते हैं कि भाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने एक पूरा ब्लॉक चेन का नेटवर्क बनाया हुआ है ताकि ट्रैक किया जा सके कि अच्छा ये कौन सा क्रिमिनल है, ये किधर इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इस तरह उसने ये चीज मॉडिफाई की, इस तरह की चीजें। वोटिंग के अंदर, ठीक है ना, आप वोटिंग के अंदर देखें ना, आप ये रेवोल्यूशन है पूरी की पूरी, अगर वोटिंग ब्लॉकचेन बेस्ड हो जाती है। देखें, आपने जिसको वोट दिया है, आप रजिस्टर हुए और उसके बाद आपने रजिस्टर होने के बाद आप एक ब्लॉकचेन का हिस्सा बन गए हैं। अब आपका, आपने किसी पार्टी को वोट दिया है, आपकी जो बेसिकली जो जिसके ऊपर आपने वोट दिया है वो सारा का सारा जो डेटा है वो हैश होके वो पड़ा हुआ है, उसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, फॉल्स प्ले नहीं कर सकता कोई। ये अगर वो पूरा का पूरा वोटिंग सिस्टम जो है ना आपके पास जो है ना वो सारा ब्लॉकचेन सिस्टम के ऊपर है, जब आपके पास कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर टर्न अराउंड भी बढ़ेगा वोटिंग सिस्टम के अंदर। ये सारे फायदे इसके अंदर होंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर बहुत इसके फायदे हैं। डिवाइसेस जो ब्लॉकचेन के ऊपर होती हैं वो एक दूसरे का डेटा वेरीफाई कर सकती हैं। अटैक डिटेक्शन में इसका बड़ा काम है, उसके ऊपर एक एप्लीकेशन जो हमने डेवलप की थी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा आगे जाके। ऑनलाइन म्यूजिक है, ठीक है ना, ऑनलाइन म्यूजिक के अंदर आप समझे कि सारा का सारा जो ऑनलाइन म्यूजिक जितना भी है ना वो सारा का सारा जो है ना वो आपका एक म्यूजिक ब्लॉकचेन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब जो म्यूजिक ब्लॉकचेन है उसके अंदर जिसने पेमेंट की है उसी को वो बेसिकली वो म्यूजिक फाइल मिलेगी, अदरवाइज जिसने नहीं की उसको नहीं मिलेगी। पायरेसी के इश्यूज यहाँ रिजॉल्व होंगे कि भाई लेट्स से आपने क्या किया कि ब्लॉकचेन एस्टेब्लिश किया और आपने क्या कहा कि अच्छा ये जो म्यूजिक है ना मैंने बनाने के बाद जो है ना अगर उसको आप वेरीफाई करते हैं तो उसका हैश जो है ना वो ब्लॉकचेन के अंदर पड़ा हुआ। अब उसको कोई मॉडिफाई करता है, कोई चेंज करने की कोशिश करता है तो यू कैन इजीली गेट दैट। रियल स्टेट है, आप ज़ूम करेंगे जो आपका रियल स्टेट है पूरा, आप जितने भी लोग हैं जो रियल, मतलब आप ज़ूम करेंगे तो रियल स्टेट की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, वो ब्लॉकचेन के ऊपर सिस्टम को ले आए, ठीक है ना। आपने कुछ चीज सेल परचेज किया, कोई किया, आपका ब्लॉकचेन जो है ना वो उस जगह पे एस्टेब्लिश हुआ है। अब उसको कोई डबल ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करता है, कोई एक प्लॉट दो बार सेल होने की कोशिश करता है तो वहां जो है ना वो चीजें बड़ी आसानी से गेट की जा सकती है। इस लेवल के यूज केस जो है ना वो ब्लॉकचेन के आपके एग्जिस्ट करते हैं। आप ज़ूम करें, लॉ एनफोर्समेंट ब्लॉकचेन, हेल्थ केयर ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स ब्लॉकचेन, ठीक है ना, वोटिंग का पूरा ब्लॉकचेन है, ऑनलाइन म्यूजिक है, रियल स्टेट है, हर एक के अंदर इसकी एप्लीकेशंस मौजूद, ठीक है ना। ब्लॉकचेन जो है ना, सॉरी एक क्वेश्चन था, जी एक क्वेश्चन तो नहीं, एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है जी, जी। जैसे अब हमने इसके बारे में बात की, फाइनेंस के बारे में बात की, ठीक है हमें, मुझे एक अमेरिका किसी को पैसे भेजने हैं, मुझे कोई चीज परचेज करनी है तो ठीक है वो एक एक प्रोसीजर है, बिटकॉइन आप एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर सकते हो, बड़ा इजीली हो सकता है विदाउट एनी फीस, कोई बीच में पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर हम फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस कैसे होगा, मतलब है ये चीज, मतलब है इसमें तो चले पैसे इन्वॉल्व है, मैंने एक पार्टी से दूसरे पार्टी को पैसे दे दिए,
लेकिन इसमें हेल्थ केयर में मतलब उसकी वर्किंग कैसे होगी, अगर कोई भी बेसिक हेल्थ केयर हो, कोई और हो, कोई भी चीज का अगर आप थोड़ा सा एग्जांपल देके समझा सकते हो। जी जी, मैं देखिए, अगर आपके पास लेट्स है, आप कहते हैं कि जी इस्लामाबाद में जितने लोग हैं ना, जो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं लेट्स है, उन सबको आप एक ब्लॉक चेन के ऊपर डाल देते हैं उन सबको, ठीक है ना। अब होगा क्या कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरमेंट है पूरा का पूरा, जिसके अंदर हर एक बंदे की एक हिस्ट्री पड़ी हुई है। किस चीज की हिस्ट्री पड़ी हुई है? मेडिकल हिस्ट्री पड़ी हुई है। अब मेडिकल हिस्ट्री क्योंकि वो हैशेस पड़े हुए हैं, वो सिक्योर है, तो आपके पास कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता, आप एनोनिमस हैं इस ब्लॉक चेन के ऊपर। लेकिन जिस भी ब्लॉक चेन के ऊपर जो भी आप पेशेंट इनेबल है, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर जो है ना, वो देख सकता है कि यार इसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ठीक है ना, उसको चेंज नहीं को कर सकता, ठीक है ना। और आप एक नेटवर्क के ऊपर आ गए हैं, और वो ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर अगर कोई को चेंज करने की कोशिश करता है, लेट से मेडिकल के अंदर इस तरह की चीजें होती है कि लेट से आप किसी का अगर मेडिकल हिस्ट्री को चेंज करते हैं, आप इस तरह ज़ूम करें ना कि मैं एक सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं, मैं ये कहता हूं कि हेल्थ केयर के अंदर लेट से शिफा का एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, और उस डेटाबेस के अंदर ना तमाम पेशेंट्स का रिकॉर्ड पड़ा हो, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जब मेडिकल की चीजें आती हैं कि उसके अंदर आता है लेट से आप किसी को जॉब देनी है, जॉब के अगेंस्ट अगर लेट से एक बंदे की जॉब होने वाली है, अगर उसकी मेडिकल हिस्ट्री कोई मुख्तलिफ है, या कोई जब ये आपके पास इस तरह की चीजें आती है, इंश्योरेंस के मामले आते हैं, वहां जाके हर एक का जो मेडिकल रिकॉर्ड हिस्ट्री है वो सारी की सारी सिक्योर पड़ी हुई है, और उसको वही एक्सेस कर सकता है, और उसको कोई 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 ना कोई कोई भी मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो इस तरह की एप्लीकेशन आप इसमें अचीव कर सकते हैं। सर, इसी मैं कासिम के सवाल से अगर सवाल उठाऊं, तो इसका मतलब है कि अगर हेल्थ केयर, अगर मैं या कोई डॉक्टर किसी का रिकॉर्ड देखना चाहता है, तो व्हाट विल ही और शी डू, विल दे मेक अ पेमेंट फॉर दैट? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसके उसको जो जो ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर है, जो जिसको एक्सेसिबल करेगा, वो चीज वो देखी जा सकती है। अच्छा, तो इसमें जो मैं थोड़ा समझाऊं वो कुछ ऐसे है, शायद सर अगर करेक्ट हो तो काइंडली सर बताइएगा। जिस तरह हेल्थ केयर में आपने कहा, उसमें शायद ऐसे है कि फॉर एग्जांपल देयर आर 100,000 पीपल जिनका डेटा हेल्थ केयर का मौजूद है, एक मेथड ये है कि वो 100,000 लोगों का डेटा आप एक कंप्यूटर में डाल दें, और वहां पे वो डेटा अवेलेबल होगा, वो सेंट्रलाइज जिसको हम कह रहे हैं। अच्छा, और उसमें वो जो माजा गामा एबीसी उस कंप्यूटर को खोलेगा वो हर डेटा पढ़ सकेगा। एग्जैक्टली, जबकि ब्लॉकचेन में ये है कि उस कंप्यूटर में और ओवरऑल मल्टीपल कंप्यूटर्स में डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन वो क्योंकि इनक्रिप्टेड है, पढ़ नहीं सकता जब तक के उसका ओनर अपना कोई नादरा का शनाख्ती कार्ड लेके जाके उसको उधर कोड ना दे कि मेरा पढ़ लो भाई थोड़ी देर के लिए, मैं आज चेक करवाना है, मेरा पढ़ लो। तो वो उसके परमिशन से वो थोड़ी देर पढ़ लेगा, द मोमेंट उसने परमिशन विड्रॉ की, फाइल वहां पड़ी होगी लेकिन वो पढ़ नहीं सकेगा। आई थिंक मैं ये समझाऊं सर बात? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से। अगर आप इसकी और भी एग्जांपल लें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जैसे रियल एस्टेट है, आप रियल एस्टेट में आप देखें कि भाई जितना भी लोगों का डेटा एक रियल एस्टेट ब्लॉकचेन के ऊपर है, ठीक है ना, उसके अंदर उन्होंने ये भी डाल दिया कि लेट्स से अच्छा ये जो है ना ये प्लॉट इस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये प्लॉट इस बंदे के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब अगर उसके अंदर कुछ चीज चेंज होगी या कोई मॉडिफिकेशन होगी, मॉडिफिकेशन इस तरह की होगी कि लेट्स से मेरा कोई प्लॉट है, अगर उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन होगी तो वो एक तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर इनक्रिप्टेड लेजर मुझे करने नहीं देगा, और जो चीज मैं वेरीफाई नहीं करेगा लेट्स से मेरा माइनर, उसको वेरीफाई नहीं करेगा कि यार ये वाकई इसने इतनी अमाउंट पे की है, तो अब ये जो रियल एसेट है ये इसके नाम के ऊपर है, तो उस वक्त तक वो चीज आगे नहीं चलेगी। आप कैसे कह सकते हैं कि कई लोगों के पास वही डेटा होगा, तो वो किसी एक के पास आप बैठ के फ्रॉड कर भी लेंगे तो बाकी 100 के पास चेंज नहीं होगा, तो जब वो सिस्टम कंपेयर करेगा तो 99 वाला जो है ना वो करेक्ट होगा, एक वाला गलत होगा, तो इट मींस कि डेटा ऑथेंटिक रहेगा 99 वाला। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने, चलिए रियल एस्टेट का एग्जांपल ही ले लेता हूँ, मैंने कुछ देखना है और मैं मुझे परमिशन मिल जाती है उस डाटा को देखने के लिए, वो जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस परमिशन के लिए, वो किसकी जेब में जा रही है? वो उस ब्लॉकचेन के ओनर की जेब में जा रही है या वो माइनर की जेब में जा रही है?
नहीं, वो जिसको आप सेल कर रहे हैं उसकी जेब में जा रही है, ठीक है ना। माइनर क्या है, वो उसके अंदर आपकी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर रहा है कि अगर आप इस रियल स्टेट ब्लॉकचेन के ऊपर जो पेमेंट कर रहे हैं ये 50 लाख आपके पास थे भी कि नहीं थे, ठीक है जी, वो सिर्फ वेरीफाई कर रहे हैं, जा उसी को रहे हैं जिसको आपने सेल कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई जी, थैंक यू, ठीक है जी। और जो ब्लॉकचेन के यूज केसेस की वजह से जो मिडिल मैन की जो कॉस्ट है वो बहुत रिड्यूस हो गई है, ठीक है ना, और इस तरह की एनोनिमिटी मेंटेन हो रही है, ये सारी चीजें जो है ना इसके अंदर हुआ, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा अगेन आप मुझे अलाउ करें तो मैं थोड़ी सी एक ब्लॉकचेन की एक इम्प्लीमेंटेशन आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है ना। दिस विल बी मोर टेक्निकल जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर, ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें हम एक सिंपल एक इथेरियम जो है ना बेसिकली एक ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम रह के एक डिसेंट्रलाइज्ड बैंक हम बनाने जा रहे हैं कि वो किस तरह से बनता है, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइज्ड बैंक में आप टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जाऊंगा, इसके अंदर एक सिंपल डेमो है। इसके अंदर हम करेंगे क्या जी, इसके अंदर हम करेंगे क्या कि हम एक ब्लॉकचेन बेसिकली जिस तरह मैं इथेरियम और जो बिटकॉइन है इसके भी डिफरेंसेस में आगे जाके आपको बताऊंगा, ये जो दोनों है ना ये बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज भी हैं और बैकएंड के ऊपर ना ये पूरे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म भी है जिसके ऊपर आप चीजें बना भी सकते हैं और ब्लॉकचेन बेस्ड, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक हम ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ले रहे हैं दैट इज इथेरियम, हम अपनी क्रिप्टो करेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, मतलब जो भी एक्स वाई जी के नाम से हमें क्रिप्टो करेंसी बनाएंगे, अपना एक ऑटोनोमस प्राइवेट ब्लॉकचेन एस्टेब्लिश करेंगे और उसमें जो माइनर्स होंगे वो मेरे ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करेंगे तो उनके अकाउंट के अंदर जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी जो है ना वो बेसिकली जाएगी, ठीक है। पर एक इधर थोड़ी सी बात थी, ये जो अब आपने भी एक लफ्ज यूज किया कि ब्लॉकचेन इथेरियम और ब्लॉकचेन बिटकॉइन, आपने ऐसे बात की, तो इसका मतलब है कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी में बात करें तो मेनली दो ब्लॉकचेन हैं ये, या दो ब्लॉकचेन प्रोवाइडिंग कंपनीज हैं, ऐसे बात है? हाँ जी, ये इथेरियम और बिटकॉइन ये दोनों क्रिप्टो करेंसीज हैं जो ब्लॉकचेन के ऊपर बनी है, ब्लॉकचेन के ऊपर बनी, और ब्लॉकचेन इज नॉट ओन्ड बाय, ब्लॉकचेन जो आप कह रहे हैं कि उसका प्लेटफॉर्म है, ब्लॉकचेन इज नॉट बेसिकली ओन्ड बाय इथेरियम, नहीं वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ये बनी हुई है और उन्होंने इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसी बनाई हुई है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अंदर क्या है कि जी हम एक सिंपल सा एक गो इथेरियम के अंदर हम एक ईथर नाम का जो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है हम उसको छोटा सा कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके ऊपर हम एक रजिस्टर करेंगे अकाउंट इथेरियम या ब्लॉकचेन के ऊपर, उसके ऊपर हम एक थर्ड स्टेप के ऊपर एक क्रिएट करेंगे एक ऑटोनोमस प्राइवेट ब्लॉकचेन हम एस्टेब्लिश करेंगे और उसके ऊपर कोई ट्रांजेक्शन हम इंटरनली बेसिकली परफॉर्म करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, इसके अंदर बेसिकली जब आप इंस्टॉल करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया उसके अंदर आप एक जो गिटहब है, आप लोग समझते हैं जी गिटहब जो है ना बेसिकली उसके अंदर आपके कोड्स पड़े हुए होते हैं और वो जो गिटहब है उसे डायरेक्टली उठा के आप क्लोन बना लेते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और उस सिस्टम को आप चलाते हैं और उसके ऊपर कमांड्स लिखते हैं और आपका सिस्टम बेसिकली इस्टेब्लिश हो जाता है। ये जो लिखा हुआ क्लोनिंग गिट कोड जो है ना बेसिकली ये जो आपका जो इथेरियम का जो बेसिकली इथेरियम का जो आपका वो है उसको गिट कोड कहते हैं, ये जो बेसिकली आपने जो बेसिकली इथेरियम का जो कोड पड़ा हुआ है ना आपका ब्लॉक सॉरी गिटहब के ऊपर उसका बेसिकली क्लोन हम एस्टेब्लिश करेंगे, फिर हम एक क्रिएट करेंगे ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक जिसको फर्स्ट ब्लॉक कहते हैं, ठीक है ना, फिर हम उसके ऊपर रूल सेट करेंगे। रूल सिंपल अल्फाज में कहने का मतलब है कि रूल्स क्या है कि माइनर को कितने पैसे मिलेंगे, किस एड्रेस के ऊपर जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, लेट से ट्रांजेक्शन वेरीफाई कैसे होगी, पीछे मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगी, इस तरह के रूल्स हम उसमें सेट करेंगे और उसको वैलिडेट करेंगे और माइनर्स को उनका रिवॉर्ड देंगे, ठीक है। अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जी बेसिकली जो गिट कोड है उसको आप किस तरह क्लोन करते हैं। बेसिकली आपका जो github.com है उसके अंदर आप जाएंगे इथेरियम गो इथेरियम के ऊपर, ठीक है ना, और ये जो है ना आप इस वेबसाइट को अगर देखें तो ये जो वेबसाइट है ना बेसिकली इसके ऊपर आपका गिटहब का कोड जो है ना इथेरियम का कोड जो है ना इसके ऊपर एस्टेब्लिश हुआ है,
ठीक है ना, वो एथेरियम के अंदर जाते हैं आप, उसके अंदर जो उसके मुख्तलिफ वर्जन उन्होंने रखे हुए हैं उसको आप बड़े आसानी से इसके अंदर आप कर सकते हैं, उसको बेसिकली एस्टेब्लिश कर देते हैं। जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज के अंदर बेसिकली आपने ये एस्टेब्लिश करना है सिस्टम छोटा सा, उसको गोलैंग लैंग्वेज कहते हैं। गोलैंग लैंग्वेज जो है ना बेसिकली वो आपके पास जब आप बैंक एस्टेब्लिश कर लेते हैं ना, तो उसकी वैलिडेशन का जो प्रोसेस है, रूल सेट लिखने का प्रोसेस है, वो सारा का सारा गोलैंग लैंग्वेज के अंदर होता है। ठीक है, अगेन मैं थोड़ा सा ज़ूम कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना वो लिनक्स शेल के ऊपर चलेगा। ठीक है ना, आपका जो लिनक्स शेल है, आपका कोई भी लिनक्स है, लिनक्स का एनवायरनमेंट को अगर आप समझें तो आप उसके अंदर एस्टेब्लिश भी कर सकते हैं, उसको बना भी सकते हैं और एक सिंपल डिसेंट्रलाइज्ड बैंक इंप्लीमेंट ब्लॉकचेन बना सकते हैं। इन 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 अ सिंपल काइंड ऑफ अ थिंग, क्योंकि अब जारी ये टेक्निकल बात है। जी जी, ये जो क्लोनिंग कर रहा है कोड की, ये कौन कर रहा है सर? ये वो कर रहा है जो ब्लॉकचेन बना रहा है? जी जी जी, जो जो डेवलपर है वो कर रहा है। अच्छा, जी जी, जो डेवलपर है बेसिकली वो गेट हब से कोड क्लोन कर रहा है अपना सिस्टम एस्टेब्लिश करने के लिए, एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। इफ 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 आई एम एट एस्पायर एज अ कंपनी, इफ आई एम वांटिंग टू डू दिस, तो इसका मतलब है मैं किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करूंगा और उससे बनाऊंगा, ऐसे ही होगा ना? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अच्छा जी, थैंक यू भाई जान, वेलकम। ठीक हो गया जी, फिर उसके बाद जो है ना आप क्रिएट करते हैं जेनेसिस ब्लॉक। ठीक है ना, जेनेसिस ब्लॉक के अंदर कुछ इसके बेसिकली जावास्क्रिप्ट के बेसिकली जेसॉन फाइल्स होती हैं जिनको आप गेट करते हैं, तब आपका जेनेसिस ब्लॉक बेसिकली एस्टेब्लिश होता है। ये जो मैंने आपको बताया कि जो थर्ड स्टेप है जिसके अंदर आप अपना क्लोन करने के बाद क्रिएट करते हैं जेनेसिस ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक है जिसके अंदर इवेंचुअली आपकी ट्रांजेक्शनें जाती हैं सारी, उसके ऊपर आप रूल सेट एस्टेब्लिश करते हैं ब्लॉक चेन। ठीक है ना, मैं बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर टेक्निकल नहीं होता, लेकिन मैं आपको जनरली ये चीज कुछ बता देता हूँ कि लेट्स से इसमें टाइम स्टैम्प है। ये जो टाइम स्टैम्प है ना वो क्या है कि आपका एक सिंपल टाइम स्टैम्प है, जिस तरह की किस टाइम के ऊपर किस डेट के ऊपर आपकी ट्रांजेक्शन एस्टेब्लिश हुई है वो आपने एस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है ना, इसी तरीके से आपका एक्स्ट्रा डेट जो ये जो आपके पास यहाँ जो नजर आ रहा है आपको एक्स्ट्रा डेटा, ये बेसिकली एक्स्ट्रा 32 बिट्स होते हैं कि ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के बाद अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा बिट्स उसमें ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है ना, डिफिकल्टी का वर्ड यहाँ नजर आया, डिफिकल्टी के आपका एक स्पेसिफिक ब्लॉक माइन करने के लिए आपके पास कितनी डिफिकल्टी इन्वॉल्व होगी। ठीक है ना, कि इसको आप चेंज भी कर सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब है कि आप एक आप कहते हैं कि माइन करने के लिए आप क्योंकि अपना सिस्टम बनाने जा रहे हैं ना सिमिलर टू बिटकॉइन, अब बिटकॉइन क्योंकि एक कमर्शियल सिस्टम है, ठीक है ना, वहां माइनर को बहुत ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम को वेरीफाई करना पड़ता है और फिर काम करना पड़ता है ना, लेकिन आप जो है ना एक सिंपल इस तरह का एक कह सकते हैं कि एक सिंपल एक इक्वेशन सॉल्व करनी है और इक्वेशन जो सॉल्व कर लेगा वो बेसिकली उसको आपने जो करेंसी बनाई है वो करेंसी का रिवॉर्ड उसको मिल जाएगा। फिर कॉइन बेस के नाम से एक चीज है इसके अंदर, कॉइन बेस जो है ना वो एड्रेस है जिसके ऊपर आपने जब माइन किया तो आपने सक्सेसफुली उस ब्लॉक के अंदर जो बेसिकली माइन ब्लॉक करने के बाद ब्लॉक माइन करने के बाद जो आपने भेजना है उसको वो बेसिकली कॉइन बेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर पेरेंट हैश है, इसके अंदर दो चीजें हैं कि प्रीवियस ब्लॉक का बेसिकली हैश पड़ा हुआ होता है उसके अंदर, तो टेक्निकली मोर स्पीकिंग टेक्निकली अगर आप इसमें देखें, इसी तरीके से जो मिक्स हैश है आपका, ठीक है ना, मिक्स हैश है जो नॉन्स है बेसिकली, ये वो दो चीजें हैं जिसके कॉम्बिनेशन से ना आप बेसिकली ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। ये नॉन्स जो है ना बेसिकली दिस इज अ रैंडम नंबर, ठीक है ना, और याद रखें कि जो रैंडम नंबर है ये 1.4 से लेकर 15 क्वाट्रिलियन नंबर हो सकता है जिसको गैस करना होता है माइनर में। ठीक है ना, तो आप ये मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ कि आप इस जब आप वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन के अंदर तो उसे नॉन्स को वेरीफाई करना है, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो तब ब्लॉक का बेसिकली उसने हिस्सा बनाना। ठीक है ना, गैस लिमिट है, गैस लिमिट क्या है कि आपने कितने रिसोर्सेज स्पेंड करने हैं किसी माइन करने के लिए किसी को ना, उसको हम गैस लिमिट करते हैं बेसिकली। ये जनरल रूल्स हैं जो आपने उसके अंदर एस्टेब्लिश कर दिए हैं। और लास्ट पॉइंट पे आप क्या करते हैं कि सिंपल गो लैन आपने बेसिकली एस्टेब्लिश कर लिया, ये क्वेश्चन है आपको मैं शेयर भी कर दूंगा, आप सिंपल एक शेल बना के इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि गो एथेरियम बिल्ड आपने किया। अच्छा, अब ये जो जब आप इसको ओपन करते हैं ना, आप इसको इनिशियलाइज करते हैं बेसिकली, जब आप इसको इनिशियलाइज करते हैं तो वैलिडेट और माइन किस तरह कर सकते हैं आप ईथर के। लेट्स से आपने कहा पर्सनल डॉट न्यू अकाउंट, कि मैंने लेट्स से मैंने एक अकाउंट एस्टेब्लिश किया, ठीक है ना, आप उसको टेस्ट करने के लिए दो अकाउंट एस्टेब्लिश कर लें ब्लॉकचेन के ऊपर, दो अकाउंट्स, ठीक है ना।
ईथर डॉट अकाउंट्स जो है ना, बेसिकली वो है कि जितने अकाउंट्स उस ब्लॉकचेन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं ना, उस ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर, ये सारा का सारा जो है ना अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन से आपके पास है। फिर ईथर डॉट ब्लॉक नंबर क्या है कि बेसिकली जिसको आपने, अगर आप इस कमांड को चलाएंगे तो आपको बताएगा कि अच्छा यार कौन से ब्लॉक नंबर के ऊपर है, ठीक है ना। अब आप ज़ूम करें, जो मैं अभी टेक्निकली बात कर रहा था बैकएंड के ऊपर, आपने ब्लॉक नंबर देखा, आप इस टाइम ब्लॉक नंबर के ऊपर है, लेट्स से 1, 2, 2, 3 के ऊपर है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपने क्या किया, माइनिंग स्टार्ट की। इसका मतलब है कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं या जितने भी लोग हैं जो अकाउंट्स हैं जो ट्रांजेक्शने कर रहे हैं, और आपका जो माइनर है, माइनर डॉट स्टार्ट से वो उन ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर रहे हैं यूजिंग दीज रूल्स। मेरी बात समझ आ रही है, यूजिंग दीज रूल्स वो एस्टेब्लिश कर रहा है, स्टार्ट किया। अच्छा, आपने स्टार्ट किया, आपने 15 मिनट माइनिंग को चलाया, ठीक है ना। उसके बैकएंड पे उसने हैश कैलकुलेट किए, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व की, और उसके बाद उसने क्या किया, माइनिंग को स्टॉप कर दिया। माइनिंग को स्टॉप करने के बाद जब आप दोबारा ईथर डॉट ब्लॉक नंबर देखेंगे आप, तो वो क्या होगा, आप लेट से उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर 50 ब्लॉक्स आगे जा चुके होंगे। तो उसका क्या मतलब है कि जो माइनर है बेसिकली उसने वो ब्लॉक एस्टेब्लिश किया, ठीक है ना, जेनेसिस ब्लॉक क्रिएट किया, और आपने देखा कि आप 1, 2, 2, 3 के ऊपर थे, तो आप 1, 5, 6, 7 ब्लॉक के ऊपर बेसिकली एस्टेब्लिश करेंगे। क्योंकि जो ब्लॉक वेरीफाई होते जाएंगे, ट्रांजेक्शन वेरीफाई होती जाएंगी, वो सारी की सारी जो है ना वो आपके ब्लॉक्स के ऊपर चलती जाएंगे, ठीक। और इसी तरीके से आप बैलेंस भी गेट कर सकते हैं कि भाई मैं एज अ माइनर देखना चाह रहा हूँ कि मेरा ये बेसिकली अकाउंट नंबर है जो हेक्स फॉर्म में लिखे हुए होते हैं, ठीक। आप इसमें गेट बैलेंस के ऊपर जाएंगे तो वो क्या करेगा, ये आपको बताएगा कि इस अकाउंट नंबर का क्या बैलेंस है, ठीक है ना। जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होती रहेंगी, जिसके अंदर आपकी जो क्रिप्टो करेंसी आपने बनाई है वो सारी की सारी आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत सारे जो है ना बेसिकली बैलेंस पड़ा हुआ होगा। जो आप नया अकाउंट क्रिएट करेंगे उसमें आप देखेंगे 0, 1, 2 इस तरह के, जितने ही माइनिंग करते जाएंगे उतने आपके पास चलते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एक सिंपल जो ब्लॉक चेन है बड़े आसानी से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सर, जी जी, अब कहना है वंस अगेन, मैं इसमें क्योंकि सर इसको बिल्कुल समझना चाह रहा हूँ, ये जो आपने पार्ट चीजें के क्लोनिंग, क्रिएटिंग, मेकिंग, वैलिडेटिंग, ये चार चीजें हैं जी। अगर ये मैं कर लूंगा तो इसका मतलब है कि ये मेरी ब्लॉकचेन बन जाएगी, आपका एक सिंपल एक बैंक, डिसेंट्रलाइज्ड बैंक बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ, आप उस स्लाइड पे जाएं जहाँ पे आपने इनपुट दिखाया था कि कंप्यूटर से हो रहा है और फिर बाहर से वो निकल रहा था, वो अगर हम उस स्लाइड पे चले गए, काइंडली अगर नहीं सर, मैं समझ गया, जी, ये वाली। अब आप मुझे ये बताएं कि फॉर माय अंडरस्टैंडिंग ओनली कि ये जो आपने 5 स्टेप्स बताए हैं, ये इस वैल्यू चेन पे कहाँ हो रहे हैं? ये देखें, ये जो आपका जो ऊपर लैपटॉप बना हुआ है ना, ये भी एक बंदा है जो इस ब्लॉक चेन के ऊपर, उसका एक अकाउंट नंबर है 1, 2, 3, ठीक है ना। और ये जो नीचे आपको मोबाइल नजर आ रहा है, ये भी एक अकाउंट नंबर है बेसिकली, ठीक है। आप 1, 2, 3 आपने लेट से 1, 2, 3 अकाउंट नंबर है, 1, 2, 3, 4 को $5 भेजे, ठीक है ना। वो जाएगा आपका पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन है, पूरा का पूरा वैलिडेशन कैसे होगी, जो रूल्स हमने डिफाइन किए हैं पीछे, ठीक है। ये जो टिक लगे हुए ये सारे वैलिडेट करेंगे, जब वेरीफाई हो जाएंगे तो वो इस ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे, ब्लॉकचेन, और ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अच्छा, मैं अगेन अ डम क्वेश्चन बट अ फॉलो अप क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ अस, इजाज एंड कासिम, ये अगर मैं इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझता जी, लेकिन जैसे आप फरमा रहे थे इफ आई हैव द मनी टू इन्वेस्ट, सो आई इन्वेस्ट, देन फॉर दिस ट्रांजैक्शन, दिस वन ट्रांजैक्शन, मेरी टीम में कौन कौन होगा? एक सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, एक शायद माइनर होगा, कितने लोग होंगे सर? हाँ देखिए, जो इन्वेस्ट की जहां तक बात होती है ना, अगर आप बिटकॉइन नेटवर्क को भी देखें तो उसमें आप इन्वेस्ट कैसे करते हैं, वो यही होता है ना कि आप कहते हैं कि जी मैंने बिटकॉइन, इतने बिटकॉइन परचेज करने हैं। वो परचेज आपने तभी करने होते हैं जब कोई बिटकॉइन सेल कर रहा होता है, ठीक है। तो वो अगर आप बिटकॉइन नेटवर्क के अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं ना, तो वो तब भी ऐसा ही होगा, सप्लाई एंड डिमांड रूल से ही होगा, वो भी ऐसा ही होगा कि भाई यहां से मैंने भेजे और उसने रिसीव कर लिए बिटकॉइन, ठीक है। वो भी उसी तरीके, ये तो सर ने मेरा ख्याल है ये बताया कि अगर एस्पायर अपना कॉइन लॉन्च करना चाहे aspire.com के नाम से, तो वो कैसे लॉन्च होगा,
मेरा ख्याल है सर ने ये समझाने की कोशिश की, क्यों सर एम आई राइट? एग्जैक्टली बिल्कुल अपना कॉइन। तो अगर एस्पायर का कोई कॉइन खरीदने वाला होगा तो सर बहुत सारे लोग फिर ट्रांजैक्शन करा रहे होंगे सर, फिर हम पांच छह तो आपका कॉइन खरीदेंगे इंशाल्लाह। नहीं नहीं मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं इस काबिल हो गया तो सर जी मैं फिर कहीं एक जजीरा खरीदूंगा जनरल क्यानी की तरह और मजे करूंगा सर। अच्छा सर मेरा एक क्वेश्चन था जी सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा था। एक तो जो ये क्रिप्टो करेंसी की ट्रांजेक्शन हैं जो बायरेंस के थ्रू एक एक्सचेंज के थ्रू हो रही है, उसके अंदर Aspire.com के भी पड़े हुए हैं, उसमें बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन सब पड़ा हुआ है और वो एक मॉनेटरी ट्रेडिंग हो रही है, वो सारा काम हो रहा है, वो एक सेपरेट बिल्कुल चीज़ है। इसके अलावा मतलब वहाँ से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, वो एक अलग चीज़ होगी। अगर हम दूसरी साइड पे आए, जो भी आप बात कर रहे थे कि हम अपना ब्लॉकचेन डेवलप करें, ठीक है, अब लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं एक हेल्थ पाकिस्तान को लेके हेल्थ केयर के ऊपर एक ब्लॉकचेन डेवलप करूं और मैं उसके डिजायर है फिर उसका कोई उसका भी एक कॉइन डेवलप होगा, XYZ कॉइन हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो फिर उसकी ट्रेडिंग होगी, वो ट्रेडिंग एक दूसरी चीज है, उसकी वैल्यू क्या क्रिएट होती है। लेकिन मैं अगर एक ब्लॉकचेन डेवलप कर रहा हूँ तो वो मतलब है वो किस तरह से डेवलप होगा? वो ठीक है आपने मुझे तरीका बता दिया कि सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा, ये सब कुछ वो करेगा, लेकिन बेसिकली वो हेल्थ केयर का मैं बनाता हूँ तो ठीक है मुझे उसके लिए डाटा चाहिए होगा, वो डाटा कलेक्शन और वो सब कुछ, वो थोड़ी सी गाइडलाइन का बताएं कि ये किस तरह होता है। हाँ जी, आप जब भी इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन बनाने लगेंगे ना तो उस टाइम आपको मल्टीपल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, जिस तरह मैंने भी आपको बताया ये गो इथेरियम मैंने आपको बताया, इस तरीके से भी हाइपर लेजर भी एग्जिस्ट करता है, मल्टी चेन एग्जिस्ट करता है। वो आपको जो सर्विस देता है ना वो किस चीज की देता है? ब्लॉक चेन टाइप टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करने की सर्विस देता है, ठीक है। आप उसके ऊपर जब आप कोई चीज एस्टेब्लिश करेंगे तो उसका तरीका ये है कि भाई डेफिनेटली अगर आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आप देखें, अगर आप कहें जी कि मैंने पूरे इस्लामाबाद के लोगों का डाटा ब्लॉकचेन के ऊपर डालना है, तो वहां फिर वो गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी इसके अंदर जो आपको ये डेटा प्रोवाइड करेगी, ठीक है ना। ये भाई लेट्स से ना था उस लेवल पे नहीं हो सकता, ये पर्सनल लेवल पे नहीं हो सकता। सर अगर फॉर एग्जांपल हम इस पे हेल्थ केयर को नहीं लाते, बिकॉज़ हेल्थ केयर एक सेंसिटिव मैटर है, गवर्नमेंट की शायद जरूरत होगी, हम फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के सारे ट्रक्स का डाटा डाल देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जितनी भी हो रही है हम उससे रिलेटेड कोई ब्लॉकचेन बनाते हैं। मुझे थोड़ा सा एक 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 एक, एक वो डायरेक्शन ही बताएं कि ये होगा किस तरह से। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डेटा जो है ना वो एक्सटर्नल मैटर है, एप्लीकेशन डेवलप करना किसी भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बहुत सारी बनाई है, हमने ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स ही को यूज किया जिसकी भी एग्जांपल्स मैंने आपको दी। इसी गो इथेरियम के ऊपर भी आप हेल्थ केयर का पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश कर सकते हैं जो लिंक्स अवेलेबल है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो डेटाबेस हो गया, मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट को लेके चलते हैं हम लोग, हमने ट्रांसपोर्ट के हिसाब से पूरा एक डेटाबेस जमा कर लिया, सारे अड्डों के ऊपर जाके हम लोगों ने सब इंफॉर्मेशन ले ली क्या होता है क्या होता है जी, वो तो एक डेटाबेस हो गया सेंट्रलाइज, ठीक है। अब हम उस डेटाबेस की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि कोई ब्लॉकचेन चीज है, ठीक है, और उसके ऊपर ये चीज डेवलप करनी है हमें, ठीक है। तो मैं उसका कोई एक वे आउट सा आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसका वो किस तरह से होगा? अब अगर लेट्स से मैं डेटाबेस डेवलप करना चाह रहा हूँ, मैं टेक्निकल बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो मुझे जो इसकी रॉ लैंग्वेज में ये पता है कि मैंने करना है तो मैं अड्डे पे जाऊंगा, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, किस रूट पे चलती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा, मैं 50 अड्डों पे जाऊंगा इन्फॉर्मेशन सारी कलेक्ट कर लूंगा, ये तो एक डेटाबेस हो गया। लेकिन अगर मैं इसको सारी चीजों को ब्लॉक चेन पे लेके जाता हूँ, ठीक है, तो वो इस चीज से और उससे डिफरेंट कैसे होगा? वो देखिए वो इसी तरीके से होगा कि जब आप ये डेवलप करेंगे ना, जो सॉफ्टवेयर आप डेवलप करेंगे, इस सॉफ्टवेयर डेवलप करते हुए वो जिस तरह उसने अभी अकाउंट्स बनाए हैं ना कि भी अकाउंट न्यू अकाउंट है, 10 अकाउंट है, 100 अकाउंट है, 500 अकाउंट है, इसी तरीके से वो आपको इस तरह की कमांड्स देगा। ये कमांड बेस्ड होगा सारा कुछ, कि कमांड्स होगा कि आपने कहा कि ईथर डॉट न्यू लेट्स से
अटे की इन्फॉर्मेशन है, लेट्स से किसी बस अटे की इन्फॉर्मेशन है, वो जो होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो उसके अंदर स्टोर करेगा, और उसके बाद लेट्स से मैं वो एग्जांपल मैं हेल्थ केयर की अगर दूं तो वो डेटा आपके पास होगा, आपने सिर्फ और सिर्फ कमांड बेस्ड वो डेटा फीड करते जाना है उस ओपन सोर्स एप्लीकेशन के अंदर, और उसके ऊपर ब्लॉकचेन बना के फिर आपने एक ये कमांड चलानी है और ब्लॉक्स एस्टेब्लिश करने हैं और फिर ट्रांजेक्शंस करनी है और माइनिंग करनी है। ये कमांड बेस्ड है सारा कुछ, कोडिंग है बेसिकली, कोडिंग नहीं। ठीक है, मैंने इस पे डाटा डाल दिया, मैंने सारी इंफॉर्मेशन ले ली, मैंने इसके अंदर डाटा डाल दिया, ठीक है। अब मैं अगर अब किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, ये अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो क्या वो मेरे से लेगा और मैं उसको बेचूंगा इन्फॉर्मेशन ये वाली, या वो खुद कुछ जगह से फेच करेगा और उसकी कोई फीस होगी, वो किस तरह से सिस्टम? बिल्कुल, वो तो देखिए, जो सॉफ्टवेयर जब आपने डेवलप कर दिया ना, जब आपने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, अब आप तो उस सॉफ्टवेयर को बेचेंगे ना, आप सॉफ्टवेयर को बेचेंगे, आप सॉफ्टवेयर का GUI इंटरफेस एक बनाएंगे पूरा और उसको इंस्टॉल करेंगे और बेचेंगे किसी भी एक्स वाई जेड ऑर्गेनाइजेशन। अब उसके बैकएंड के ऊपर डेटा भी स्टोर है, सॉफ्टवेयर भी उसके सिस्टम पे इंस्टॉल हो गया, जब वो एक्सेस करेगा तो डेफिनेटली आपका जो डेटा होगा जितने भी होंगे उनके पास अपना अपना डेटाबेस होगा जहां से डेटाबेस एक्सेस होगा। तो आपने तो सॉफ्टवेयर बना के उसको देना है और उसने उसको यूज कर लिया। ठीक है, मुझे सॉरी लेकिन मुझे ये चीज क्लियर इतनी नहीं हुई है। देखिए मैं लेकिन मैं आपको एज अ बिजनेस, इसको एज अ बिजनेस लेके चलना चाहूं कि नेक्स्ट अगर ये नेक्स्ट थिंग है और हो रही है पूरी दुनिया में, अगर मैं उसको एक एज अ अपॉर्चुनिटी लेके चलना चाहूं और इसका कुछ इसको कैश आउट करने की कोशिश करूं, तो ये फिर एंड ऑफ द डे वही बात होगी कि हम एक एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं या इसमें ब्लॉकचेन का क्या मकसद होगा? मैं ये बताएं आप किस फील्ड से हैं? मैंने MBA किया हुआ है फास्ट से और टेक्निकल मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, कंप्यूटर साइंसेस कोई बैकग्राउंड नहीं है। कोई मसला नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखें इस तरह से है कि आपने लेट से आपने एक सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश करना होता है, ठीक है ना। लेट से मैं कहता हूँ कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो चैट एप्लीकेशंस होती है ना, चैट एप्लीकेशंस, मैं अभी आगे इस एप्लीकेशन की बात भी करूंगा, जो चैट एप्लीकेशन होती है ना उसमें सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स होते हैं कि भाई लेट से अगर आप फेसबुक चैट कर रहे हैं ना तो उसमें फेसबुक जो है ना वो एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है, वो आपके डेटा को देख रहा है। आप कहते हैं कि आपने जब ब्लॉकचेन को पढ़ा ना, तो ब्लॉकचेन के अंदर आपने ना एक आपके दिमाग में एक रेवोल्यूशनरी एक आइडिया आया कि यार मैं एक चैट एप्लीकेशन ऐसी एस्टेब्लिश करूं जिसमें कोई सेंट्रलाइज्ड एंटिटी ना हो, ठीक है ना। यही बेसिकली ब्लॉकचेन है ना, ठीक है ना। अब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको इस तरह की चीज एस्टेब्लिश करने के लिए काम दे। वो मैंने आपको बताया कि टूल्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको यूज करते हुए आप ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जो चैट आप कहते हैं कि भाई फेसबुक मेरे मैसेजेस को ना पढ़े, सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे चैट कर रहे हैं ना उनके अलावा किसी और को मेरी चैटिंग शेयर ही ना हो, ये रेवोल्यूशन है ना ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है ना। तो आप उसने जब उसको यूज करना है तो आप वो चीज सॉफ्टवेयर बनाएंगे, मार्केट करेंगे कि भाई आए जी मेरा जो, अब देखिए ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आप बिल्कुल नॉर्मल अल्फाज में आपको एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह व्हाट्सएप के पिछले दिनों जो मसला आया था, व्हाट्सएप में लोग क्या कह रहे थे कि यार वो जो व्हाट्सएप है ना वो आपके डेटा देखती है, वो आपके फाइल्स भी देखती है, वो आपके कंटेंट भी देखती है। लोगों में फौरन आया यार इसका मतलब यार ये तो प्राइवेसी कोई नहीं है, ठीक है ना। अब आप उसी व्हाट्सएप कम्युनिकेशन की चीजों के अंदर आप एक रेवोल्यूशन लेके आए, आपने कहा यार ये मैं अगर ब्लॉकचेन के ऊपर बनाऊंगा ना तो 10 बंदे अगर इन्वॉल्व है ना, जिस तरह क्रिप्टोकरेंसी के अंदर या ब्लॉकचेन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर होता है, तो ये 10 बंदों के अलावा कोई सेंट्रलाइज्ड बॉडी होगी नहीं जो मेरे चैट को पढ़ रही होगी। तो आप सॉफ्टवेयर एस्टेब्लिश करेंगे, सॉफ्टवेयर की टेक्नोलॉजी को मार्केट करेंगे कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, फिर लोग आपसे खरीदेंगे और आपको बेचेंगे। सर इसमें एक क्वेश्चन है जिसको अभी भाई इनके बात से आगे बढ़ाते हुए जी जी बात ये समझ आई या गलत में भी समझ आई कि कोई भी जिस तरह एक उन्होंने बताया ये कोई कार्गो का सिस्टम बनाना चाहते हैं ब्लॉकचेन के ऊपर फर्ज किया, तो कोई भी अगर ऐसा कोई एंटरप्रेन्योर है वो कोई ब्लॉकचेन पे अपना सिस्टम बनाना चाहता है जिसमें वो चाहता है डिसेंट्रलाइज्ड बात रहे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो फिर
फॉर एग्जाम्पल आपने चैट वाली बात की, तो हम एग्जाम्पल देते हैं एक्स चैट आप बना रहे हैं जी, इसका मतलब ये होगा कि एक्स चैट एक अपन एप्लीकेशन बन गई जो कि ब्लॉकचेन पे है, डिसेंट्रलाइज्ड, उसको लोग मैनेज कर रहे हैं। तो जो लोग मैनेज कर रहे हैं माइनर्स हैं वो, उन्हें रिवॉर्ड मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसी कोई एप्लीकेशन या ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट होगा तो उसकी माइनिंग भी होगी और उसको माइनिंग रिवॉर्ड आपको देना पड़ेगा। इज इट लाइक दैट? नहीं, देखिए वो देखिए माइनिंग जो है ना, जहाँ फाइनेंशियल बीच में आ जाते हैं ना, जहाँ फाइनेंशियल जो लोग मेरा मैनेज कर रहे हैं, जो लोग मेरा सारा डेटा इस मेरे उस सिस्टम का मैनेज कर रहे हैं डिसेंट्रलाइज होके, वो क्यों मैनेज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? जिस तरह बाकी किसी और का अगर बीटीसी का, एथेरियम का, किसी और कॉइन का मैनेज करते हैं तो वो उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि वो उसकी बुक लेजर्स को मेंटेन कर रहे हैं, अपने पास कंप्यूटर लगाया हुआ उसका खर्चा कर रहे हैं, तो वो क्यों मैनेज करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट? वो देखिए दो दो मुख्तलिफ एस्पेक्ट है ना, टेक्नोलॉजी सेम है लेकिन आपने उसके अंदर माइनिंग इसलिए इन्वॉल्व है क्योंकि आपने ये भी वेरीफाई करना है कि यार ये बंदा $50 किसी को भेज रहा है तो उसके पास $50 है भी सही कि नहीं। आप अज्यूम करें कि सेम ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है लेकिन मैं एक ऐसा चीज स्टेब्लिश करता हूँ जिसमें सेंट्रलाइज बॉडी होने के बगैर लोग आपस में चैट कर सकें, तो यहाँ माइनर को आप माइनस भी कर सकते हैं बीच में से। मैं आंसर किया मैंने सर, कहीं कंप्यूटर सिस्टम को अगर जान थोड़ा बहुत जो समय तो उसके कहीं ना कहीं तो उसका सर्वर पड़ा हो ना जो उस एप्लीकेशन को चला रहा हो। जी जी, मतलब वही तो बात है ना कि वही उस सर्वर के ऊपर तो आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो ब्लॉकचेन आपको यही तो फैसिलिटी दे रहा है कि सेंट्रलाइज सर्वर नहीं होगा, आपकी चैट कहीं सेव नहीं होगी, बस आप बात करेंगे बात खत्म हो जाएगी, यही चीज तो मार्केट करनी है आपने। जो जो बिल बस लोग उस वक्त एक्टिव होंगे उनकी बात होगी और फिर बात वो 10 लोग चैट करेंगे आपस में, चैट करेंगे और बस चैट खत्म, यही चीज वहां की तरह खत्म हो जाएगी। जी जी जी, एग्जैक्टली ठीक हो, गॉट इट सर, गॉट इट। अच्छा ये एक दो कुछ यूज केसेस हमने डेवलप किए थे ब्लॉकचेन के, वो मैं थोड़ा सा क्विकली आप लोगों से शेयर कर देता हूं। हमने ना एक अटैक डिटेक्शन का, सॉरी फॉर द इमेज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये SDN बेस्ड हमने डिटेक्शन बेस्ड IoT के अंदर ना यूजिंग ब्लॉकचेन के बहुत सारे यूज केसेस के अंदर ये भी एक यूज केस है। बेसिकली आपका ना ये जो डिवाइसेस होती है ना सारी IoT की, जिसमें आप लोग देखते हैं कि सारी डिवाइसेस हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो कंट्रोलर्स होते हैं ना कंट्रोलर्स, अब देखें आप ये बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी और इन चीजों से हटके चीज है ना, ये जो डिवाइसेज होते हैं ना जिन डिवाइसेज को ये जो आपके कंट्रोलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, बेसिकली सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है, ये जो है ना ये एक ब्लॉक चेन के अंदर होते हैं सारे। अब इस ब्लॉक चेन से फायदा ये होता है कि अगर आपके पास कोई अटैकर है ना, अटैकर वो इन डिवाइसेस को यूज करते किसी इनोसेंट नेटवर्क के ऊपर अगर ट्रैफिक भेजता है ना, मतलब इनोसेंट नेटवर्क के ऊपर अटैक करता है ना, तो आपके डिवाइसेस, क्योंकि ये कंट्रोलर सारे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं ना, तो ये कंट्रोलर्स इस ब्लॉक चेन में होने की वजह से इन डिवाइसेस को ना किसी अटैक का पार्ट नहीं बनने देते। ये कंसेप्ट है इसके पीछे थोड़ा सा ना, आप देखें आप ये दिस इज व्हाट दिस इज अ ब्लॉक चेन बेस्ड कंट्रोलर्स नेटवर्क है पूरा का पूरा ये, ठीक है। ये ब्लॉक चेन की जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उनको यूज कर रहा है और अटैक डिटेक्शन में आप तो सर कहना है इसका मतलब है कि यहाँ पे तो आप ब्लॉक चेन यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर मेकिंग मनी, यहाँ पे तो आप ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं टू सिक्योर द सिस्टम, इज दैट ट्रू? एग्जैक्टली बिल्कुल। इसी तरीके से जो मैंने अभी बात की है कि जो ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस थी वो उसके अंदर आपका सेंट्रलाइज बॉडी है, आपकी APIs हैं, आपके डेटाबेसेस हैं उसके अंदर इन्वॉल्व है, आप जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने सिंपल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वही है ना कि बेसिकली जिसके अंदर आप एक कॉमन कंसेप्शंस के ऊपर आ जाते हैं कि सारे के सारे वेरीफाई करेंगे, माइनर होगा, ये दिस इज अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर आप देखते हुए ना आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हैं और उनको आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये जो आपकी डिसेंट्रलाइज चैट एप्लीकेशन है वो यही है कि आइडेंटिटी, अब देखिए ये जो हमने डिसेंट्रलाइज चैट सिस्टम बेसिकली बनाया था ना, उसके पीछे जो मार्केट वर्थ थी ना उसकी यही थी, जिसको हमने बाद में जो है ना मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हमने इसको काफी ज्यादा यूज भी किया, ये स्टूडेंट्स के पास भी बना हुआ है हमारे। इसमें क्या है कि आपने क्या करना है, अपनी आइडेंटिटी को अनोनिमस रखना है और डिसेंट्रलाइज्ड और इंक्रिप्टेड डेटा आपका मूव कर, आप चैट भी कर रहे हैं, दरमियान में कोई सर्वर भी नहीं है और आपका जो आइडेंटिटी भी अनोनिमस है और आपका डेटा भी डिसेंट्रलाइज्ड है और इंक्रिप्टेड,
ये भी अब ब्लॉकचेन की पॉजिटिव चीज को यूज किया ना हमने इस जगह। डाउनलोड कर लिया चलाने के लिए तो वो पूरी जो एप्लीकेशन है ना वो उसके ऊपर आ गई है। तो क्या वो एक अगर आम रूटीन एप्लीकेशन एग्जाम्पल दे रहा हूँ 5 MB की है तो ऐसी एप्लीकेशन जो होंगी डिसेंट्रलाइज ये तो बहुत हैवी होंगी बिल्कुल मेमोरी खाएंगी ताकि क्योंकि इसका सर्वर तो होगा कोई ना। हाँ अच्छा ऐसे इसमें हमने किया ये था कि लेट्स से अगर 3 days है ना 3 days आपने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चैट किया तो क्योंकि वो चैट ही है ना सिंपल तो वो आप कहते हैं कि तो वो 3 days के बाद है ना वो मेमोरी फ्लैश हो जाती है सारा डेटा फाइल ठीक है ना तो इस तरह भी चीजें कर सकते हैं आप उसमें देख सकते हैं जी पर्पस अचीव जो आप कर रहे हैं ना वो यही पर्पस है कि यार मैं मतलब अगर सेंसिटिव चैटिंग कम्युनिकेशन चल रही है ना तो उसके दरमियान में कोई सर्वर ना देखे बस ये मकसद है इसके पीछे ठीक है ना। इसी तरीके से वोटिंग सिस्टम के ऊपर उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी हुई थी कि जी वोटिंग सिस्टम में आपको ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है आइडेंटिटी प्रूफ करना रिक्वायर्ड है रिकॉर्ड कीपिंग प्रोवाइड है तो जो ब्लॉक चेन है जिसके अंदर आपका पूरा सिस्टम है देखें कि इनिशिएट किया वोट और उसके बाद उसको वोट रिजल्ट मिल रहे हैं वोट तो सारे रजिस्टर हो रहे हैं एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ब्लॉक चेन चल रही है आप जब आपने किसी को वोट दिया तो वो बकायदा वेरीफाई होकर ब्लॉक चेन का हिस्सा बन गई तो आप इससे वोटर फ्रॉड रोक सकते हैं फॉल प्ले वगैरह रोक सकते हैं सारा कुछ। अच्छा अब ये जो मैंने आपको बात बताई कि जी इथेरियम और बिटकॉइन को अगर आप थोड़ा सा आपस में कंपेरिजन कर लें तो उसके ऊपर बस लास्ट दो चीजें हैं कि ये है कि जो बिटकॉइन है ना वो एक सिर्फ एक डिजिटल मनी है ठीक है ना लेकिन जो इथेरियम है ना बेसिकली वो एक पूरा का पूरा एक फ्रेमवर्क है पूरा एक प्लेटफॉर्म है पूरा जिसके अंदर डेवलपमेंट भी होती है मतलब लिमिटेड बिटकॉइन ब्लॉकचेन के ऊपर भी होती है लेकिन इथेरियम जो है ना वो पूरा पूरा एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है और जो नेक्स्ट जनरेशन है ब्लॉकचेन की जब उसमें रेवोल्यूशन है वो सारा कुछ वो उसको इसको वर्ल्ड कंप्यूटर कहते हैं बेसिकली उसको। जो क्रिप्टो करेंसी है इसको BTC कहते हैं और इसको ईथर कहते हैं ठीक है आप लोग समझते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो बिटकॉइन है ये टर्निंग इनकम्प्लीट है और ये टर्निंग इनकम्प्लीट से कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना लेट्स से आपके पास ऐसी लैंग्वेज जिस जो कंप्यूटेशनली किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है उसको टर्निंग कंप्लीट एप्लीकेशन कहते हैं या लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटेशनली किसी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है अगर उसके पास टाइम हो और रिसोर्सेज हो और जो बिटकॉइन है वो टर्निंग इनकम्प्लीट है कि मतलब वो लिमिटेड है कि लिमिटेड एक लेवल तक आप मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं उसको एक जो इथेरियम है वो टर्निंग कंप्लीट बेसिकली एप्लीकेशन है। इसमें जो ये यूज करता है ये SHA-256 हैश एल्गोरिथम यूज करता है ये इथैश यूज करता है बेसिकली। कॉइन रिलीज मेथड जो है ना ये अर्ली माइनिंग वाला सिस्टम है इसका बिटकॉइन का और इसका जो है ना इसको कहते हैं इनिशियल कॉइन ऑफरिंग कहते हैं इसको ये इनिशियली पहले ये कॉइन ऑफर करते हैं और फिर उसके बाद काम कराते हैं और ये जो है ना माइनिंग के थ्रू इसमें आती है चीज। इसमें एक और जो कंसेप्ट है ना जिस तरह प्रूफ ऑफ वर्क का मैंने आपको बताया ना कि माइनिंग का सिस्टम है पूरा का पूरा प्रूफ ऑफ वर्क ये जो इथेरियम है ना ये प्रूफ ऑफ स्टैक के नाम पे चलता है। स्टैक प्रूफ ऑफ स्टैक ये चीज होती है कि अगर मैंने कोई ट्रांजेक्शन वेरीफाई की है ना या मैंने कोई ट्रांजेक्शन चलाई है या उसको वेरीफाई किया है मैंने तो उसके अंदर मेरा बकायदा स्टैक होगा ठीक है ना कि बकायदा मेरा उसके प्रॉफिट में एक परमानेंट हिस्सा रहेगा। इस तरह का कंसेप्ट जो है ना वो इथेरियम जो है ना वो उसको यूज करता है ठीक है ना लेकिन ये जो है ना ये सिंपल जो है ना वो प्रूफ ऑफ वर्क अभी काम किया और आपको बिटकॉइंस मिले और काम खत्म। इसका एवरेज ब्लॉक टाइम जो है वो 10 मिनट्स तक है इसका 12 से 15 सेकेंड्स के बाद जो है ना वो यूज होता है तो ये भी एक है कि भाई इसके अंदर आप एवरेज ब्लॉक टाइम इतना यूज कर सकते हैं ठीक है ना। ये थोड़ा सा मैंने आखिरी चीज ये आप लोग ज्यादा बता सकते हैं जो बिजनेस वाले भी लोग हैं इसमें ये लेकिन इसमें आप और भी इनपुट कर सकते हैं। ये जनरल मैंने एक चीज कही कि राइज एंड फॉल किस तरह हो रहा है ना बिटकॉइन। अब बिटकॉइन जो है ना बिग जो आजकल की करेंसीज है ना उससे बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी अगर आप इसको कंपैरिजन करें ना तो कहते हैं जुलाई 2010 के ऊपर $1 का बिटकॉइन था जुलाई 2010 में जब ये लॉन्च हुआ और मई 2021 में ये $36,364 का आपका बिटकॉइन था अब है इस टाइम मई 2021 में
जो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं ना, कि अप्रैल में जाएं या मई 2021 के शुरू में जाएं आप, ठीक है ना, तो ये $58,858 का था एक बिटकॉइन इस मई के महीने के शुरू में जाए, इतना बड़ा राइज एंड फॉल है, ह्यूज फ्लक्चुएशंस है, कि यही रीजन है जिसकी वजह से लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वेरी रिस्की इन्वेस्टमेंट है। तो उसने उसमें बात बताई हुई थी कि जी कि भाई आपने ना याद रखें कि बिटकॉइन के अंदर आपने इन्वेस्ट करने के लिए अपनी कार नहीं सेल करनी कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही ज्यादा जो है ना इस तरह की चीज है कि अनोनी किस्म की है कि किसी टाइम भी फॉल कर जाएगी, क्योंकि जो सारा सिस्टम है ना वो स्टॉक बेस्ड सिस्टम नहीं है। कि भाई एप्पल है ना, लेट से एप्पल ने एक नई फोन लॉन्च किया लेट से, तो आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में उसकी जो वैल्यू है बहुत बढ़ जाती है, ठीक है ना। आप लोग भी बिजनेस के लोग ज्यादा अच्छे तरीके से, सर फजल भी इसमें इनपुट करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, लेकिन जब उसमें कोई मॉडल जो ऑब्सोलीट होता है तो उसका स्टॉक प्राइस नीचे आ जाता है। लेकिन जो बिटकॉइन है वो ये प्योरली जो है ना वो आपके पास डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलता है, कि अगर लेट से मार्केट के अंदर लिमिटेड अवेलेबल है, लोग बेचना चाहेंगे, अगर बहुत ज्यादा खरीदार बैठे हुए हैं और बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस जो है ना फ्लक्चुएट करेगी। वो कहते हैं इन्वेस्ट ओनली दैट यू कैन अफोर्ड। ये मैंने एक लेटेस्ट ग्राफ जो है ना बिटकॉइन अगेंस्ट जो आपका डॉलर है उसके अगेंस्ट मैंने बताया कि देखिए इस तरह फॉल हुआ है, मई के महीने के बाद इस तरह फॉल हुआ है, और अब आपका जो है ना तकरीबन 36,000 के ऊपर इस टाइम मेरा ख्याल है ये अब आपका आया हुआ है डॉलर के, और तकरीबन 56 या 57 लाख रुपीज का एक बिटकॉइन है ऑलमोस्ट। वो स्टॉक की तरह काम नहीं करता, कोई कंपनी नहीं है, कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस नहीं है, बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है। 21 मिलियन है टोटल इसमें। Many people wanted to buy the seller will increase the price and sell the highest bidder ke upar bech dega. Limited supply soaring bitcoin prices no value but supplies backed by the gold and silver ke bhai gold and silver is tarah ki trading bhi aap isme kar sakte. Thank you so much. Aur ye mera email address hai, koi aur questions please anytime. Sir, ye this is completely new to me. I don't know what Ijaz bhai and Qasim bhai would say, but this is completely new to me. Aur ye to मुझे लगता है कि कम से कम दिस इज 10 years इन एडवांस और एटलीस्ट 5 years इन एडवांस आगे का कॉन्सेप्ट है। आई डोंट नो कि इसमें जाहिर है पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट, और एस्पायर ने तो इसको इसलिए करवाया आपको जहमत दी कि हमें कुछ समझ आए कि इसमें है क्या, बट फ्रॉम व्हाट लिटिल आई अंडरस्टैंड इज कि ये कम से कम कहीं अनलेस समथिंग वेरी कैटास्ट्रोफिक हैपेंस इन द वर्ल्ड ये 10 साल अभी इसके हैं जिसमें कि ये जो भी बनेगा इसका बनेगा। I don't know if other people might have comments, लेकिन मेरा तो ये comment है। बिल्कुल बिल्कुल। Different है। मैं अपना एक तो बहुत अच्छा लेक्चर था, माशाल्लाह, and we got new details जो पहले बिल्कुल नहीं बताती blockchain के बारे में, and we are grateful for your time and जो आपकी delivery lecture की थी बहुत अच्छी थी और we are very thankful. सर कमेंट का कमेंट सर, जो क्रिप्टो करेंसी है जो मुझे समझ आती है, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि बाकी जो दोस्त आप सुन रहे हैं उनको वो इससे कोई नया शेयरिंग मिले तो वो मुझे कॉन्सेप्ट को शायद करेक्ट कर सकें अगर मेरा गलत है या हमें कुछ वैल्यूएशन कर सकें। सर जो क्रिप्टो करेंसी है ये एक जो मुझे समझ आती है इसको पढ़ने पढ़ाने के बाद, ये एक न्यू करेंसी वर्ल्ड है जो कि मार्केट में लॉन्च हो रहा है, और उसकी जो मेन वजह है वो ये है कि जो बिगर करेंसी एक्सचेंज रेट था US डॉलर का, पाउंड का, यूरो का, विद द स्मॉलर करेंसी लाइक पाक रुपी, इंडियन रुपी, बंगाली रुपी करेंसी, ये एक्सचेंज रेट डिफाइन करते हैं मुख्तलिफ लोग, लेकिन इस एक्सचेंज रेट में डेफिनेशन में जो लोकल कंट्रीज हैं हमारे जैसे या और मुख्तलिफ मुल्क इस एक्सचेंज रेट पर प्ले करते हैं। वो जो इसाफ डार फैक्टर था, हम लोग कहते हैं कि उसने डॉलर को एक आर्टिफिशियल वैल्यू पे रखा, उस तरह की बातों की वजह से ओवरऑल इन बड़े मुल्कों को बहुत नुकसान होता है इसका, जो करेंसी एक्सचेंज का ओवरऑल जो हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, मजीद नोट छाप लेते हैं, मे बी वो हमारी करेंसी को डीवैल्यू करते हैं, लेकिन एक हम कंप्यूटर की जबान में वो जिसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस टाइम, एक वो एक आधा सेकेंड, दो सेकेंड, उस सेकेंड में वो बहुत लूज कर चुके होते हैं, जबकि हम तो कई दफा दो दो महीने ये डॉलर और रुपी की वैल्यू को मैनेज कर लेते हैं। तो अभी उस सामने को सारे को सामने रखते हुए ये एक नई करेंसी राइज हो गई है जिसकी वैल्यू हमारे जैसे मुल्क तो बिल्कुल सेट नहीं कर सके,
और अगर इसी पे बाइंग सेलिंग शुरू हो गई मार्केट में, जो कि काफी हद तक शुरू हो गई है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में और इवन फिजिकल एसेट्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर में, तो बाकी करेंसीज की काफी हद तक मौत हो जाएगी और ये जिनकी करेंसी है उनकी ये करेंसी बहुत अच्छी चलना शुरू हो जाएगी और जिसमें हमारा एक्सचेंज रेट का कोई रोल नहीं होगा। हम यहाँ नोट छापते भी रहे, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सचेंज रेट इसका अपना रहेगा जहां तक मैं समझता हूँ। और बाकी सर इसका आई वुड रिक्वेस्ट सर फजल, इसमें सर ये जो बेसिक लेक्चर था इसमें कुछ चीजें पता लगी, आई वुड रिक्वेस्ट कि आप किसी एक्सपर्ट को कॉल करें जो इसकी ट्रेडिंग और इसकी जो कमर्शियल साइड है ना BTC की, उसके ऊपर हम कोई एक लेक्चर हो जिसमें जो इसकी एक्सचेंजेस हैं और उन पे कैसे काम होता है, ताकि सर हम जो वो बात है ना कि इस पे पैसे इन्वेस्ट कैसे करने और इसमें से पैसे कमाने कैसे निकालने कैसे, वो एस्पेक्ट हमेशा बेहतर समझ आ सके अगर हम इसका सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर चलाएं। बिल्कुल जी, ऐसे करेंगे, ऐसा करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बिल्कुल जी, एग्जैक्टली ऐसे करेंगे। कासिम प्लीज गो अहेड, आप बोलेंगे। जी डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने वाकई काफी चीजें शेयर कर दी। मैं दूसरे भाई हैं, पार्टिसिपेंट हैं, मैं इनको थोड़ा सा, मैंने अभी कुछ एक महीने हो गया मैंने इसके ऊपर कुछ बात करनी देखना शुरू किया है इसको, तो दो वो एक बहुत अजीब वाइल्ड किस्म का बंदा है वकार सका, लेकिन उसका जो ग्रुप है ना फेसबुक के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसकी जो डिस्कशंस हैं, उसकी जो वीडियोज़ हैं, वो जो है ना काफ़ी हेल्पफुल हैं और वो मतलब आपको बेसिकली सिखा रहा है कि आपने ट्रेडिंग करनी कैसे है और वो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ में पढ़ा हुआ है, तो ही नोज़ के मार्केट कैसे ऊपर नीचे जा रही है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसको फॉलो करें, उसकी सब्सक्रिप्शन है कोई, लेकिन अगर आप उसको फॉलो करेंगे महीना दो तो मेरे ख्याल से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये एक बहुत ज़रूरी है जो कमर्शियल यूज़ का आप कह रहे हैं कि सर कह रहे हैं, तौजीह फजल मुकीम सर कह रहे हैं कि ये हम लोग 5-10 साल पहले हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं, तो हमें इसको कैपिटलाइज कैसे करना है ताकि हम इसका फ़ायदा उठा सकें इन द कमिंग डेज, उसके ऊपर डेफिनेटली कोई चीज़ होनी चाहिए। बिल्कुल 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 कासिम भाई, बट और ये ज़का का आपने वकास ज़का का जो कहा है बिल्कुल कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया था, बट आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स और हम कोशिश करते हैं कि वकास साहब को ले आए, हम उनसे बात कर भी रहे हैं, हम उनको भी लास्ट कर दी अपना भाई साहब कैसे शिफ्ट, अगर आपने कुछ आखिर में कहना हो टू एंड दिस तो बता दे, वरना वी कैन ऑलवेज यू नो थैंक ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड देन बाइंड इट डाउन। जी सर, थैंक यू सो मच, पार्टिसिपेट किया सर फजल, आपका भी थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह मेरी भी काफी लर्निंग हुई है, मुझे भी काफी चीजें जो है ना वो स्पेशली बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है ना वो हमें भी सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो बाकी भी चीजें सीखने की जरूरत है ये भी है, और थैंक्स अ लॉट सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाईजान, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड इजाज भाई एंड कासिम भाई, एंड इंशाल्लाह वी ब्रिंग इन, जैसे कासिम ने कहा, वी ब्रिंग इन समबडी फ्रॉम द कमर्शियल साइड, वी विल आल्सो ट्राई टू कांटेक्ट वकास ज़का, एंड वी होप टू हैव अ सेकंड सेशन ऑन दिस। अल्लाह ब्लेस ऑल ऑफ यू जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।